हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो से हम बनाना स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट CSS Flexworks को यूज़ करके। और ये प्रोजेक्ट मैंने मल्टीपल वीडियोस में बनाया है। अगर आप सिंगल वीडियो में देखना चाहते हैं तो जो लास्ट वीडियो बनाई है मैंने इस प्रोजेक्ट की, उसमें मैंने क्या किया, सारी वीडियोस को कंबाइन कर दिया है। अगर आपको टुकड़ों में देखना पसंद नहीं है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट की, जिसमें मैंने सारी वीडियोस को कंबाइन किया है। करीब 20 वीडियोस हैं और 21वीं वीडियो में मैंने पिछली 20 वीडियोस को कंबाइन किया। अब इस प्रोजेक्ट में बनाएंगे क्या वो देख लेते हैं हम। इस प्रोजेक्ट में कुछ ये वेबसाइट बनाएंगे, आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने है। और इसमें बात कर दूँ क्या क्या बनाएंगे हम, देख सकते हैं आप, ये वेबसाइट है। और इस वेबसाइट में और क्या क्या होगा देखते हैं, देखिए। और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन हो रही है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप्स ऑफ फूड्स हैं। अगर जैसे मैं इस ये तीन इमेज दिख रही हैं आपको, किसी एक भी इमेज पे अगर मैं होवर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मुझे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करूँ यहाँ पे लर्न मोर पे तो यहाँ पे नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और ये सब काम हम करेंगे प्योर CSS से। और यहाँ पे अगर मैं इसको, ये नेविगेशन बार ये भी रिस्पॉन्सिव है, अगर मैं इसकी विड्थ को कम करूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और एक और चीज़, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ऊपर कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्क्रॉलिंग देख सकते हैं आप, काफ़ी स्मूथ स्क्रॉलिंग हो रही है। मैं आपको बताऊँगा ये आप कैसे कर सकते हैं। और ये सब काम आप कर सकते हैं इस वेबसाइट में। और यहाँ पे बस ये वेबसाइट बनाएंगे हम, और इस वेबसाइट को मैंने डिज़ाइन किया है आपको सिखाने के लिए। एंड अब बात करते हैं कि इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वेबसाइट को बनाया मैंने CSS Flexworks को यूज़ करके, तो आपको Flexworks आना चाहिए। तो Flexworks की वीडियोस दे रही आप देख सकते हैं। इस पूरे कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टाइप, अगर मैं किसी इमेज पे होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ पे ट्रांजिशन के साथ साथ मैंने CSS ओवरले यूज़ किया है। तो फॉर एग्जांपल ये CSS ओवरलेज है, आप को ये आना चाहिए। और CSS ओवरलेज आने के लिए आपको आना चाहिए CSS ट्रांजिशन। और ये जो मैंने स्टार्टिंग में ऊपर एनिमेशन की थी तो आप एनिमेशन की वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाने के लिए मैंने क्या किया था, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू बनाया यहाँ पे। तो ये भी सिखा चुका हूँ मैं यहाँ पे इस वीडियो में। तो कहने का मतलब मैंने सब कुछ यूज़ किया है जो मैंने Flexworks से लेके एंड तक पढ़ाया है इसमें। वो सब चीज़ यूज़ किया है मैंने इस वेबसाइट को बनाने के लिए। तो अगर आपको ये आएंगी तो ये आपको समझ आएगा। नहीं तो आपको ऐसा लग सकता है बीच में कि आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा, बट अगर आपने इनकी प्रैक्टिस पहले से की हुई इन वीडियोज़ की तो आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो से हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक index.html है, एक style.css है, और साथ में मेरे पास है एक फोल्डर जिसका नाम है img, और इस img फोल्डर के अंदर मैंने इमेजेस डाली हुई हैं जो मैं यूज़ करूँगा इस प्रोजेक्ट में। अगर आप सेम इमेजेस यूज़ करना चाहते हैं तो मैं सारी की सारी इमेजेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले index.html को लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पर टाइटल लिख लेता हूँ अभी के लिए। अभी मेरे को टाइटल कुछ अच्छा सूझ नहीं रहा तो मैं यहाँ पर वेबसाइट लिख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी style.css को यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, style.css। इतना होने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ओपन करूँगा cdnjs.com, और cdnjs.com पे यहाँ पे मैं सर्च करूँगा फॉन्ट ओसम, और मैं क्योंकि मैं लिंक करना चाहता हूँ अपने फॉन्ट ओसम की लाइब्रेरी को। और यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले वाला लिंक है css/all.main.css, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी लिंक टैग यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो बीच वाला है कॉपी लिंक टैग, इसको यहाँ से पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से पेस्ट करूँगा। ऑलराइट, तो ये हो गया। इतना करने के बाद मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे अभी ऐसे कुछ लिख देता हूँ H1 में, फॉर एग्ज़ाम्पल वेलकम टू दिस वेबसाइट। और इसको अभी लाइव सर्वर से ओपन करते हैं, देखते हैं। तो ये लाइव सर्वर से ओपन हो रही है। अब CSS में थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं CSS में हम क्या क्या करेंगे। अब CSS में सबसे पहले मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा, तो फॉन्ट के लिए मैं यहाँ पे font.google.com
फोन्स डॉट गूगल डॉट कॉम, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा पॉपिंस, ये पॉपिंस फॉन्ट यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो जो मुझे चाहिए। ओके, और यहाँ पे मुझे इटैलिक नहीं चाहिए। ओके, मैं इसको एम्बेड कर लेता हूँ, और यहाँ पे इंपोर्ट, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, और इसके बाद मैं करूँगा क्या, इतना करने के बाद मैं इसको यहाँ से छुपा देता हूँ, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एस्ट्रिस्क, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी मेरे आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स होंगे और जितने भी मेरे बिफोर स्यूडो एलिमेंट्स होंगे। ओके, मैं इन सब के साथ अप्लाई करना चाहता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ताकि अगर मैं एक बार किसी बॉक्स की विड्थ सेट कर दूँ, उसके बाद पैडिंग और मार्जिन ऐड हो, तो उसी विड्थ के अंदर ऐड हो, उसकी विड्थ ना इंक्रीज हो पैडिंग मार्जिन के साथ। ओके, इसलिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स पैडिंग 0 और मार्जिन भी बाय डिफॉल्ट मैं कर दूँगा इसका 0। ओके, इतना होने के बाद मैं करूँगा क्या है, जो HTML है इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, जो रूट एलिमेंट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट होता है 16 पिक्सल्स। ओके, और मैं इसको 16 पिक्सल्स की जगह करना चाहता हूँ 10 पिक्सल्स, और अगर 16 पिक्सल्स 100% है, 10 पिक्सल्स कितना परसेंट होगा, 62.5%। तो मैं 62.5% इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर दूँगा। ओके, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो बॉडी है इसके साथ करूँगा काम। सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली, जो मैंने फ़ॉन्ट फैमिली ऊपर पॉपिन सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पॉपिंस, ऑलराइट, तो यहाँ पे फोन फैमिली में पॉपिंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इतना होने के बाद मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं इसी को देख लेता हूँ कि कैसा दिख रहा है अभी। ओके, अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, और यह था कि बेसिक स्टाइलिंग हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्टार्ट करते हैं लिखना HTML को। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं नैव बार की। ओके, और नैव बार कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले नैव बार के लिए मैं नैव टैग यूज़ करूँगा, और उसको एक क्लास दे दूँगा मैं नैव बार। ओके, उसके बाद एक मैं क्लास बनाऊँगा जिसका नाम होगा नैव बार कंटेनर, और नैव बार कंटेनर के अंदर मेरे पास होगा नैव बार। ओके, अब नैव बार में देखते हैं क्या क्या होगा। अब नैव बार में भी आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, एक ये चीज़ दिख रही है और एक ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। आपको एक लोगो दिख रहा है और एक ये मेन्यू आइटम्स दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में दो चीज़ें नहीं हैं, दो से ज़्यादा हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ दो से ज़्यादा हैं, देखिए अगर मैं इसकी विड्थ को कम करूँ, ठीक है, विड्थ को कम करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास अभी दो कुछ चीज़ें और ऐड हो चुकी हैं। सबसे पहले तो हैमबर्गर ऐड हो चुका है। ओके, और हैमबर्गर कैसे यूज़ करते हैं, हम चेकबॉक्स यूज़ करके। तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स भी है जो हमें दिख नहीं रहा, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। ओके, चेकबॉक्स भी है यहाँ पे, एक हैमबर्गर भी आ चुका है यहाँ पे, और इस पर क्लिक करता हूँ तो मेन्यू आइटम्स भी खुलती हैं। ओके, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। ओके, तो हमें सारी लिखनी पड़ेगी नैव बार के अंदर, बट जब हम डेस्कटॉप व्यू पे होंगे तो कुछ चीज़ों को डिस्प्ले नन कर देंगे, जब मोबाइल पे होंगे तो उनकी पोजीशन और उनकी डिस्प्ले को चेंज कर देंगे। ओके, तो कुछ इस तरह से काम करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं वही काम करूँगा, एक इनपुट जिसका टाइप होगा चेक बॉक्स। ओके, और इनपुट चेक बॉक्स होगा, उसके बाद एक क्लास बनाऊँगा जिसका नाम होगा हैमबर्गर लाइंस। ओके, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक मेरे पास UL होगा जिसको मैं क्लास दूंगा मेन्यू आइटम्स, और उसके बाद मेरे पास एक H1 होगा जिसको क्लास दूंगा मैं लोगो, और लोगो फ़िलहाल के लिए मैं रख रहा हूँ FW, आप कुछ भी रख सकते हैं। ओके, इतना करने के बाद अब चेकबॉक्स में मुझे नेम और ID की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर मुझे नेम ID की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद मैं यहाँ पे जो हैमबर्गर लाइंस हैं इसमें मुझे चाहिए स्पैन, और स्पैन के पास होगी एक क्लास जो होगी लाइन, और इसके पास एक और क्लास होगी जो होगी लाइन वन। ओके, और यहाँ पे मैं इसको 3 बार रिपीट करता हूँ,
और इसको यहाँ पे लाइन टू रख देता हूँ और इसको लाइन थ्री रख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मेन्यू आइटम्स, यहाँ पे मेन्यू आइटम्स में यहाँ पे मेरे पास होगी एल आई। ओके, और एल आई के अंदर मेरे पास होंगे एंकर टैग। ओके, एंकर टैग मेरे पास अलग अलग जगह पे जाएंगे, तो सबसे पहला जो एंकर टैग जाएगा वो मेरा जाएगा शो केस पे। ओके, और यहाँ पे मैं होम अबाउट गाइस, ये मैं आईडीज़ के नाम लिख रहा हूँ जो मैं आगे जाके दूंगा, अपने जो मेरे सेक्शंस होंगे उनको आईडी दूंगा ताकि स्क्रॉल कर पाऊँ मैं। ओके, तो यहाँ पे इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं कोर दूंगा टेस्टिमोनियल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेस्टिमोनियल, यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉन्टैक्ट। ओके, तो नेविगेशन बार की एचटीएमएल इतनी ही है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी मेरा नेविगेशन बार कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, अब इसको स्टाइल करेंगे, इसको थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ मैं आपको, फिर बाकी आपको खुद करना है, मतलब मैं भी करके दिखाऊंगा, आपको खुद भी ट्राई करना है। ओके, तो सबसे पहले गाइस देखिए यहाँ पे मैं करूँगा क्या, देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले तो नेव बार स्टाइलिंग, यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर डेस्कटॉप मोड। डेस्कटॉप मोड के लिए हम क्या करेंगे, जो भी मेरे नेव बार हैं, ओके, और नेव बार के अंदर जो इनपुट है, ओके, जिसकी टाइप है चेकबॉक्स, और साथ में जो मेरा जो डॉट नेव बार है उसके अंदर जो हैमबर्गर लाइंस है, हैमबर्गर लाइंस, इन दोनों चीज़ों की मुझे डिस्प्ले करनी है ना। ओके, अब दो ही चीज़ें रह चुकी हैं, अब आपको क्या करना है, इसको और इसको यूज़ करना है और वो किस तरह से बनाने की कोशिश करनी है, एंड आई होप आप इसको बनाने की ट्राई करेंगे। और अभी तक मैंने कुछ नहीं किया गाइस, अभी तक मैंने बहुत सिंपल काम किया है, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं ये काम आगे हम कैसे करेंगे। ओके, हे एवरीवन, वेलकम बैक, आई होप आपने ट्राई किया होगा इस नेविगेशन बार की CSS को लिखने के लिए। अभी हमारा नेविगेशन बार कुछ इस तरह से दिख रहा है और आपको बनाना था कुछ इस तरह से। ओके, तो देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं, सबसे पहले इस नेविगेशन बार को मुझे इस बीच में रखना है। ओके, तो इसको मैं रखूँगा 1200 पिक्सल्स के अंदर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे, जो कि होगी मेरी कंटेनर क्लास। ओके, और मैं इसको ऊपर बना लेता हूँ, यहाँ पे जो भी मेरी यूटिलिटी क्लासेस होंगी, यूटिलिटी क्लासेस, जितनी भी मेरी यूटिलिटी क्लासेस होंगी उनको मैं ऊपर बनाऊँगा। ओके, उसके बाद मुझे यूटिलिटी क्लास बनानी है कंटेनर के लिए। ओके, कंटेनर के लिए बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैक्स विड्थ मैं रख दूंगा 1200 पिक्सल्स। अगर विड्थ मान लो फ़ोन की स्क्रीन पे आ गया मैं, मोबाइल जितना आ गया मैं, ओके, तो उसकी विड्थ हो जाएगी 90%। और इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ तो मार्जिन ऑटो। ओके, एंड आई एम एज्यूमिंग कि आप अभी तक इन चीज़ों में कंफर्टेबल हो चुके हैं। ओके, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे पहले बहुत ज़्यादा एम्फसिस कर चुका हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप इसमें थोड़ा कंफर्टेबल हो चुके हो। ओके, ऑलराइट, और इसके बाद मुझे करने का यहाँ पे नया बार कंटेनर है, इसको एक और क्लास दे देता हूँ मैं यहाँ पे कंटेनर। ओके, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आ चुके हैं। अभी मुझे करना क्या है, इसको ऐसे कुछ इस तरह से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे पहले वो देखते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस नैव बार को उठाता हूँ, सबसे पहले इसमें कुछ स्टाइलिंग करता हूँ। ओके, उसके बाद हम बाकी काम करते हैं। देखिए सबसे पहले जो डॉट नैव बार है उसको मैं सबसे पहले बॉक्स शैडो देना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बॉक्स शैडो है, तो मैं यहाँ पे भी एक बॉक्स शैडो देना चाहूँगा। ओके, तो बॉक्स शैडो यहाँ पे 0 पिक्सल, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 5 पिक्सल्स, और मैं इसको कितना ब्लर करना चाहूँगा, 10 पिक्सल्स, स्प्रेड मैं करना चाहूँगा 0 पिक्सल्स, और जो कलर होगा वो मैं AA कर रहा हूँ। ओके,
ऑलराइट, तो यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स शैडो आ चुकी है। ओके और यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे इसको मैं जैसे भी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसकी पोजीशन यहाँ से हिल नहीं रही। ओके तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पोजीशन इसकी कर दूँगा फिक्स्ड, पोजीशन मैंने इसकी फिक्स्ड कर दी। ठीक है, जब जैसी पोजीशन फिक्स्ड करूँगा ना इसकी, तो आप देखना ये ना ऐसे मतलब कि एक तरह से अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो की तरह बिहेव नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है उसको मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ। ओके ताकि ये फिर से पहले की तरह हो जाए। ओके इतना करने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो बैकग्राउंड है वो हमेशा की तरह मैं FFF ही रखता हूँ। और उसके बाद जो इसका कलर है उसको मैं रखूँगा 000। ओके उसके बाद इसकी ओपेसिटी, मतलब कि मैं इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसकी पोजीशन मैंने फिक्स कर दी तो मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट से बाहर है, मतलब कि अगर कोई भी चीज़ आएगी इसके बाद तो वो इसके नीचे से स्टार्ट होगी। ओके अगर इसके नीचे से स्टार्ट होगी तो मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ी सी ओपेसिटी हो, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी वाली फील आए। ओके तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 0.85 की इसको ओपेसिटी दे देता हूँ। और एक और चीज़ यहाँ पे करूँगा मैं यहाँ पे, वो क्या करूँगा, देखिए जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब देखना ये हमेशा ऊपर रह रहा है। ओके मतलब कि जो कंटेंट आ रहा है वो इसके नीचे ही आ रहा है हमेशा, मतलब कि ये जो मेरा नैव बार है ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। ठीक है तो इसका जी इंडेक्स बढ़ा देता हूँ, और इसका मैं जी इंडेक्स इतना बढ़ा देता हूँ ताकि कोई भी चीज़ आए वो इसके नीचे ही आए। तो मैं 999 भी कर सकता हूँ, आप 10 भी कर सकते हैं अगर बाकी चीज़ों का जी इंडेक्स 10 से कम होने वाला है। ठीक है तो मैं इसको 999 कर देता हूँ। ओके तो ओके इतना इतना काम हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं बात करूँगा नैव बार कंटेनर की। ओके ये जो मेरा नैव बार कंटेनर है ना, ये इसकी बात करूँगा। ओके तो नैव बार कंटेनर के अंदर ही है जो भी कुछ है मेरे पास। ओके नैव बार कंटेनर के अंदर भी ये दो चीज़ें हैं। ओके बाकी तो हमने डिस्प्ले नन कर दी थी। ओके तो डॉट नैव बार, डॉट नैव बार कंटेनर। अब नैव बार कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, इसकी डिस्प्ले मैं कर दूँगा फ्लैक्स। जैसे इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा आप देख सकते हैं ये इधर आ चुका है, ये इधर आ चुका है। ओके अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो मेरे को इधर चाहिए था, ये मुझे इधर चाहिए था, तो इसके ऑर्डर को भी चेंज कर देंगे हम जैसे हमने फ्लैक्स बॉक्स में सीखा था। ओके फ्लैक्स अब यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट। ओके जो मेन एक्सिस की तरफ हम जस्टिफाई कंटेंट करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं स्पेस बिटवीन। ओके और यहाँ पे जो इसकी हाइट होगी, जो नेवर कंटेनर की जो हाइट रहेगी वो रहेगी सदा के लिए 64 पिक्सल्स। ओके और जो अलाइन आइटम्स रहेंगी, आइटम्स को मैं अलाइन करूँगा वो करूँगा हमेशा सेंटर में अलाइन। ओके तो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे। ओके ओके तो अभी आपको इसमें कुछ देखने में बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, अभी इसको सही करेंगे हम। अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेन्यू आइटम्स हैं, ओके और जो लोगो है, इन दोनों के ऑर्डर को चेंज करते हैं। तो ऑर्डर को कैसे चेंज करेंगे, जो डॉट मेन्यू आइटम्स हैं और जो मेरा लोगो है डॉट लोगो, ये जो मेन्यू आइटम्स हैं इसके ऑर्डर को मैं कर देता हूँ 2, और ऐसी जो लोगो है इसके ऑर्डर को मैं कर देता हूँ 1। ओके तो भी आप देख सकते हैं ऑर्डर चेंज हो चुका है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर सकता हूँ ताकि ये भी ऐसा रो में मुझे दिखे, ठीक है, तो मुझे ऊपर की जगह ये रो में दिखे, तो इसके लिए इसको भी मैं डिस्प्ले क्या कर सकता हूँ, इसको मैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर सकता हूँ। ओके तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ इसको फ्लैक्स। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स हो चुकी है, और जो मेन्यू आइटम्स हैं, ओके और मेन्यू आइटम्स के बाद जो LI आएंगे, ओके और इसका मैं लिस्ट स्टाइल कर दूंगा नन, और मार्जिन मैं लेफ्ट दे दूंगा यहाँ पे 1.5 रैम का, और यहाँ पे इसको फॉन्ट साइज दे दूंगा 1.8 रैम की। ऑलराइट तो अभी बिल्कुल दिखने में सही लग रहा है पहले से काफ़ी ज़्यादा। ओके और ये मैंने काफ़ी जूम किया हुआ है, एक्चुअल में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ऑलराइट और यहाँ पे जो लोगो है इसका जो मैं फ़ॉन्ट साइज़ है इसको भी चेंज करके मैं कर दूंगा 3 रैम। ऑलराइट तो ये 3 रैम का हो चुका है।
और मुझे अभी करने का यहाँ पे, अभी आप सोचिए, मुझे यहाँ पे जो ये है, जो एल आई है, इनको चेंज, जो सॉरी ए है, एंकर टैग है, इनके टेक्स्ट डेकोरेशन और कलर को चेंज करना है। ओके, तो वो देखते हैं हम कैसे चेंज करेंगे। ओके, जो नैव बार के अंदर जो मेरे एंकर टैग होंगे और उनका जो मैं कलर करना चाहूँगा वो मैं 444 करना चाहूँगा, और जो इसको टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको मैं नन करना चाहूँगा, और जो फॉन्ट वेट है उसको मैं फॉर एग्जांपल करना चाहूँगा 500, और जो पहले इतना करते हैं। ओके, तो अभी मेरे को कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे उस पर होवर कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे इसका कलर ग्रीन हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं इस पर होवर करूँगा तो देखते हैं, तो मुझे क्या करना है, इसका कलर क्या करना है, इसका कलर ग्रीन करना है, और मैं ग्रीन कौन सा यूज़ करूँगा, 117964, 7964। ओके, तो अब देखते हैं, अब ये ग्रीन हो रहा है, बट ये थोड़ा आराम से हो रहा है ग्रीन, और ये एकदम हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन लगा सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे ट्रांजिशन मतलब कलर चेंज हो इसका 0.3 सेकेंड में, तो ट्रांजिशन हो इज इन आउट। ओके, तो आप देख सकते हैं ये ट्रांजिशन यहाँ पे हो रही है। ऑल राइट, तो ये था कि आप कैसे स्टाइल कर सकते हैं अपने नेविगेशन बार को। ओके, अभी हमने यहाँ पे डेस्कटॉप मोड के लिए किया, अब फ़ोन के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम मीडिया क्वेरी से लगा के इसको सही कर लेंगे, बट अभी हमारा जो कुछ इसी तरह से दिख रहा है। ओके, एंड आई होप आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। है एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इस एरिया की कोडिंग कैसे करेंगे, ये जो शोकेस एरिया है इसकी कोडिंग कैसे करेंगे। ओके, एंड मैं आपको एनकरेज करूँगा कि पहले आप खुद ट्राई कीजिए कि आप कैसे बना सकते हैं इस एरिया को, एंड आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब बनाना स्टार्ट करते हैं इसको, हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नैव जहाँ पे मैंने नेविगेशन बार बनाया था, इसके बाद मैं इस एरिया को बनाने के लिए सेक्शन टैग यूज़ करूँगा, और सेक्शन टैग यूज़ करूँगा और साथ में मैं इसको क्लास दे दूँगा, इसको क्लास दे दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शो केस एरिया। ओके, इसको क्लास दे दी मैंने शो केस एरिया। ओके, और इसके बाद इसको क्लास देने के बाद मैं यहाँ पे इसको एक आईडी भी दे दूँगा, इसको आईडी भी दे दूँगा। आप एक ही चीज़ भी दे सकते हैं। ओके, बस यहाँ पे मैंने शो केस आईडी इसलिए दे दी ताकि अगर मैं इस पर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं कॉन्टैक्ट्स पे हूँ, अगर मैं होम पे जाऊँ तो मैं इस एरिया पे दोबारा टारगेट कर सकूँ। ओके, आप कर सकते हैं काम। ओके, आपको क्लास देने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने क्लास भी दे दी इसको स्टाइल करने के लिए, आप स्टाइल आईडी को यूज़ करके भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे मुझे करना क्या, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक H1 है, एक पैराग्राफ है, एक बटन है। ओके, सबसे पहले H1 है, इसको मैं मेन टाइटल लिख लेता हूँ। ओके, जिसकी क्लास है मेन टाइटल, इसमें यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ईट राइट फूड। ओके, उसके बाद पैराग्राफ है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लूँगा इस कंटेंट यहाँ पे। ओके, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लिख लो। ओके, तो अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है, बट यहाँ पे अभी यहाँ इस साइड पे लिखा आ रहा है। ओके, इस साइड पे देख सकते हैं आप, इस साइड पे इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि ये भी मेरा नेविगेशन बार है ना, ये हमेशा ऊपर रहेगा। ये एक्चुअली में इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, पर ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में नहीं काम कर रहे, ये बस एक तरह से मेरे पेज से बाहर है, बस हमें ये हमेशा ऊपर दिखता रहेगा और हम इससे अपना काम कर सकते हैं नेविगेशन बार से। ओके, तो इसलिए अभी यहाँ पे दिख रहा है, मतलब अभी HTML को ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे पेज पे कुछ है ही नहीं, बट एक्चुअल में नेविगेशन बार है। ओके, ये पोजीशन फिक्स्ड के कारण हुआ है, हमने तो इसको पोजीशन फिक्स्ड दी है। ओके, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करेंगे, यहाँ पे अभी कहीं भी नहीं जाएगा ये लिंक, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं क्लास दे दूँगा मैं यहाँ पे BTN और BTN प्राइमरी। ओके, ये क्लासेस मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि इन क्लासेस को सिलेक्ट करके मैं इसको स्टाइल कर पाऊँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा मेन्यू, और यहाँ पे मैं इसको गाइस, इसको मैं यहाँ पे
फूड मेन्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसको मैं बाद में इसको मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा फिर इसको, ठीक है। तो ये इतना हो गया। इसके बाद अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। अभी क्या करना है इसको, अब इसमें CSS अप्लाई करनी है, ओके। और गाइस अब आप ट्राई करो कि इसकी CSS आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ओके। देख मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसकी CSS ट्राई करना, ओके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आपने ट्राई किया होगा शोकेस की CSS को लिखने के लिए, ओके। तो हमने लास्ट वीडियो में शोकेस एरिया लिखा था, तो आपको शोकेस एरिया को कुछ इस तरह से बनाना था, ओके। एंड आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं कैसे बना सकते हैं आप इसको, ओके। तो मैं यहाँ पे नीचे सॉरी, ये शोकेस एरिया, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मैं शोकेस एरिया की शोकेस स्टाइलिंग, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं शोकेस की स्टाइलिंग कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आगे, यहाँ पे जो शोकेस एरिया है मेरा, जिसको मैंने यहाँ पे क्लास भी दिया शोकेस एरिया, ओके। और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसकी हाइट मैं देता हूँ 50 VH, 50 VH हाइट, ओके। और यहाँ पे इसको जो बैकग्राउंड है इसको मैं URL देता हूँ, और यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ अपनी, ठीक है। और मेरी इमेज क्या है, इमेज फोल्डर में है, ठीक है। और यहाँ पे इमेज का नाम है हेडर इमेज 2.jpg, ओके। और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग्स में लिखूँगा, ओके। और अभी देखता हूँ मैं, तो भी आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, ओके। बट यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपको ऐसी अच्छी लग रही है इमेज तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैकग्राउंड साइज कवर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड पोजीशन, और बैकग्राउंड पोजीशन मैं लिखूँगा यहाँ पे सेंटर, और यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट, मतलब कि मुझे बैकग्राउंड रिपीट नहीं करना, ओके। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, मतलब कि कई बार क्या होता है आपकी फ़ोटो छोटी हो सकती है और वो बार बार रिपीट हो सकती है, ओके। मैं नहीं चाहता ऐसा हो कि मेरी फ़ोटो बार बार रिपीट हो, तो इसलिए यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ओके। और इसके बाद मुझे करना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे आपको थोड़ा आपकी इमेज थोड़ी वाइट हो रखी है, ओके। आप देख सकते हैं आपकी इमेज वाइट हो रखी है, ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। मैंने बस इसलिए की थी वाइट क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको इसकी कॉन्ट्रास्ट बढ़ानी थी, मतलब कि मैं चाहता था ये अच्छे से दिखे जो लिखा हुआ है, ओके। अगर आप भी करना चाहते हैं ऐसा तो कर सकते हैं, ओके। बट पहले बिना इसके करते हैं, ठीक है, बिना इसके करके देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मेरे पास क्लास है शोकेस कंटेनर, शोकेस एरिया के अंदर, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाऊँगा शोकेस कंटेनर, ओके। उस शोकेस कंटेनर के अंदर मैं ये तीनों चीज़ें लिखूँगा, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, डॉट शोकेस कंटेनर, ओके। और शोकेस कंटेनर के अंदर मैं ये तीनों चीज़ें लिखूँगा, इसका रीज़न अभी आपको पता लग जाएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ओके। और इस शोकेस कंटेनर को अभी मैं क्या करूँगा, इसको स्टाइल करूँगा, इसको स्टाइल देखता हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ। इसको स्टाइल करने के लिए सबसे पहले मैं इसको डिस्प्ले कर दूँगा फ्लैक्स, ओके। एक काम कर दूँगा, इसमें जो अपनी वेबसाइट है ना उसको साइड में ओपन कर लेता हूँ, ऑलराइट, ताकि आपको देखने में आसानी हो, ऑलराइट। तो यहाँ पे डिस्प्ले मैं कर दूँगा फ्लैक्स, और यहाँ पे फ्लैक्स सेलेक्शन मैं कर दूँगा कॉलम, फ्लैक्स सेलेक्शन कॉलम करूँगा, यहाँ पे अलाइन आइटम्स कर दूँगा मैं सेंटर, और उसके बाद मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट कर दूँगा यहाँ पे सेंटर, ओके, ताकि बीच में आ जाए। उसके बाद हाइट मैं कर दूँगा इसकी 100%, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज कर दूँगा इसका 1.67, मतलब नॉर्मल फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ सेट हो जाएगा, ओके। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे मेरे कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, ओके। मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ओके। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो बता देता हूँ मैं आपको, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मुझे अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे ही छोड़ूंगा अपनी वेबसाइट को अब, ओके। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले जहाँ पे आपने URL लिखा ना, यहाँ पे कॉमा डालिए, और उससे पहले
यहाँ पे आप लीनियर ग्रेडियंट दे सकते हैं, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट में आर जी बी है, यहाँ पे आर जी बी है, दो आर जी बी ए की वैल्यूज डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। और पहले मैं डाल सकता हूँ फॉर एग्जांपल 240 240 240, और यहाँ पे मैं अल्फ़ा वैल्यू डाल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 0.144, ओके। और यहाँ पे ऐसे ही मैं यहाँ पे इसके साथ भी कर सकता हूँ, कैसे करूँगा मैं, फॉर एग्जांपल मुझे प्योर वाइट चाहिए 255 255 255, और यहाँ पे मुझे अल्फ़ा वैल्यू चाहिए 0.336, ओके। और मैं देखूँगा तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा मेरे को वाइटिश लुक आ रही है, ओके। तो कमेंट करके बताइए आपको क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ओके। अभी यहाँ पे इसके बटन की स्टाइलिंग नहीं की, अभी इसके बटन की स्टाइलिंग भी करेंगे हम, ओके। और सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो H1 है, अगर आप चाहें तो इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। वो कैसे करेंगे आप, वो ऐसे कर सकते हैं आप, शोकेस कंटेनर के अंदर जो, या फिर आप मेन इसके सेलेक्ट कर सकते हैं मेन टाइटल से, ओके। क्या कर सकते हैं आप, डॉट मेन टाइटल, यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज, ओके। आप ऐसा कर सकते हैं। और अब इस बटन को देखते हैं, इस बटन को कैसे स्टाइल कर सकते हैं हम, ओके। और बटन के लिए मैं क्या करूँगा, बटन की स्टाइलिंग के लिए मैं इसको ऊपर स्टाइल करूँगा बटन को, ओके। ऊपर इसलिए स्टाइल करूँगा ताकि अगर कोई और बटन हो तो मैं उसको सेम क्लास देके कुछ वैसे ही बटन की स्टाइलिंग कर सकूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे यूटिलिटी क्लासेस में अपने बटन की स्टाइलिंग करूँगा। अब सबसे पहले डॉट बी टी एन, ओके। सबसे पहले जो बटन की डिस्प्ले है वो हो गई इन लाइन ब्लॉक, ओके, ताकि मैं इसको पैडिंग मार्जिन से दे पाऊँ। उसके बाद जो पैडिंग होगी बटन्स की वो होगी 1 mm टॉप एंड बॉटम, उसके बाद 2.5 mm लेफ्ट एंड राइट, ओके। तो ये कुछ पैडिंग रहेगी। बटन की जो टेक्स्ट डेकोरेशन रहेगी वो रहेगी नन, ओके। उसके बाद जो बटन्स की जो बॉर्डर रेडियस रहेगी वो भी रहेगी, स्टार्टिंग में नन नहीं रहेगी, मैं 50 pixels कर देता हूँ, ओके, ताकि थोड़े राउंड बॉर्डर हो जाएँ, ठीक है। उसके बाद जो कर्सर रहेगा वो रहेगा पॉइंटर, ओके। कर्सर पॉइंटर इसलिए ताकि, फॉर एग्जांपल ऊपर देख रहे हैं ना अभी, ये कर्सर पॉइंटर है, ठीक है, ये जो आपको हाथ बना रहा है जिस पे एक माउस एक उंगली दिख रही है आपको, ओके। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन, कई बार हमारे पास जो बटन होते हैं, जो बटन टैग होते हैं, उनसे आउटलाइन आ जाती है, तो मैं चाहता हूँ वो आउटलाइन भी ना आए। और ये BTN जो क्लास है, मैं एंकर टैग को भी दे सकता हूँ और बटन जो टैग है उनको भी दे सकता हूँ, किसी को भी दे सकता हूँ, ओके। बस उन पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो मार्जिन टॉप रहेगा बटन्स का वो रहेगा 1 mm, और जहाँ पे जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, मतलब कि बटन में जब भी होगा जो मेरे टेक्स्ट होगा वो अपर केस में चेंज हो जाएगा। और जो फॉन्ट वेट होगा वो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, मैं 500 कर लेता हूँ फॉन्ट वेट, ओके। ये हो गया बटन। अब ये बटन हो तो गया, बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो इसके कलर को चेंज करने के लिए मैंने एक और क्लास दी थी अपने बटन को, BTN प्राइमरी। और BTN प्राइमरी को भी मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, इसका जो कलर है वो मैं कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल FFF, और जो इसका बैक, सॉरी, जो इसका बैकग्राउंड है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके बैकग्राउंड के लिए मैं गाइस एक थोड़ा ग्रीन कलर यूज़ कर लूँगा, 16A083, तो ये बटन हो चुका है, ओके। आपको ये बटन भी दिख रहा है, ओके। तो ये था, ये काम आप ऐसे कर सकते थे, ओके। बटन भी हो चुका है हमारा, बटन हो चुका है, और बटन के साथ साथ हमारा हो चुका है, बटन के साथ हमारा शोकेस की स्टाइलिंग भी हो चुकी है, ओके। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये काम हमने कैसे किया। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस एरिया को कैसे बना सकते हैं, तो इसको ट्राई करना खुद। और जो भी फोटोज़ हैं गाइस, ये मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके फोटोज़ डाउनलोड कर सकते हैं जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अबाउट अस का जो HTML है वो कैसे लिखेंगे। तो ये अबाउट अस है, तो इसका HTML आप कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन बना लेता हूँ जिसको ID दे देता हूँ यहाँ पे अबाउट, ओके। और यहाँ पे ID मैंने अबाउट दे दी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक div बना लेता हूँ जिसको मैं क्लास दे देता हूँ अबाउट
कंटेनर, या फिर आप दे सकते हैं अबाउट रैपर। फॉर एग्जांपल मैं अबाउट रैपर दे देता हूँ, और साथ में एक और क्लास दे देता हूँ कंटेनर, कंटेनर यूटिलिटी क्लास, ताकि जो भी कुछ आए वो 1200 पिक्सल्स के बीच में ही आए। ओके, तो यह मैंने यहाँ पे एक यूटिलिटी क्लासेस बना रखी है। ओके, इसके बाद मुझे करना क्या है यहाँ पे, इसके अंदर देखिए इसके अंदर क्या होंगी, इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगी अबाउट टेक्स्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अबाउट टेक्स्ट और ये अबाउट की इमेज। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ जिसका नाम होगा, इसके पास क्लास होगी अबाउट टेक्स्ट। ओके, और ऐसे मेरे पास एक डिव होगा जो कि होगी, इसको मैं क्लास दे देता हूँ अबाउट इमेज। ओके, अब अबाउट टेक्स्ट को क्या करना है मुझे, अबाउट टेक्स्ट के अंदर क्या है, मेरे पास तीन चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये छोटा सा पैराग्राफ है अबाउट अस, फिर उसके बाद एक हेडिंग है, उसके बाद फिर एक पैराग्राफ है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ जिसको मैं क्लास दे देता हूँ स्मॉल, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अबाउट अस। ओके, तो यहाँ पे मैंने अबाउट अस लिख दिया। इसके बाद मुझे करना क्या है यहाँ पे मैं H2 लिख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ लोरम 40 फॉर एग्जांपल। लोरम 40 लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस P और इस, इस H2 के अंदर लोरम 40 नहीं लिखना मुझे, मैं यहाँ पे पैराग्राफ है इसके अंदर लोरम 40 लिखूँगा, लोरम 40। ओके, और यहाँ पे इस H2 के अंदर मैं लिखूँगा, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव बिन मेकिंग हेल्दी फूड फॉर लास्ट 10 ईयर्स। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा तो आ चुका है, बट ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पे अब मुझे अबाउट इमेज के अंदर इमेज भी डालनी है, तो इमेज डालने के लिए मैं क्या करूँगा, इमेज टैग यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे सोर्स है मेरा, इमेज फोल्डर के अंदर मेरे पास पड़ी है एक अबाउट फोटो डॉट जेपीजी। ओके, और यहाँ पे ओल्ट में लिख सकता हूँ मैं अबाउट अस। ऑलराइट, और अब देखते हैं, तो अभी इमेज भी आ रही है। अभी आपका काम क्या है, आपको कुछ इस तरह से कुछ इसमें चेंज करना है। ओके, एंड आई होप आप इसको ट्राई करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, इसमें हम लिखेंगे अबाउट की CSS। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम अबाउट अस की स्टाइलिंग करेंगे। अबाउट अस हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा था पहले। ओके, आज हम इसको स्टाइल करेंगे और कुछ इस तरह से इसको बनाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अबाउट अस के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैं अबाउट अस की स्टाइलिंग करूँगा, अबाउट अस। ओके, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले जो ये जो मैंने आईडी है अबाउट, ओके, इसको सिलेक्ट करूँगा मैं। यूजुअली मैं आईडीज यूज़ नहीं करता स्टाइलिंग के लिए। ओके, यूजुअली मैं क्लासेस यूज़ करता हूँ, बट आप आईडीज भी यूज़ कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे इसको मैं पैडिंग दे दूँगा, फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम एंड 0 पिक्सल्स लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैडिंग आ चुकी है ऊपर और नीचे 50 पिक्सल्स की। ओके, और पैडिंग के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज करूँगा मैं। ओके, इसका बैकग्राउंड मैं चेंज करूँगा, इसका बैकग्राउंड चेंज करके मैं करूँगा F5, F5, F7। ओके, थोड़ा ग्रेश बैकग्राउंड देखने को मिलेगा मुझे। ओके, और ये बैकग्राउंड मैंने जान कैसे लिया है, मैंने जान कैसे इसलिए क्यों लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा इस फोटो से मैच हो रहा था। ओके, इसलिए मैंने कुछ इस तरह का ही बैकग्राउंड लिया है। ओके, ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे जो अबाउट रैपर है उसको स्टाइल करेंगे हम, ये जो इसके अंदर अबाउट रैपर है। ओके, और अबाउट रैपर में क्या करेंगे हम, इसकी डिस्प्ले कर देंगे, इसकी फ्लैक्स। ओके, इसकी डिस्प्ले अगर हम फ्लैक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कैसे इस तरह से यहाँ पे आ चुका है, और ये इमेज बहुत बढ़िया रही है। अभी इस इमेज के साइज़ को हम छोटा करेंगे। ओके, ओके, उसको छोटा करने से पहले इसको छोटा ही कर देते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं इसके जो फॉन्ट है ना, इसको चेंज कर लेता हूँ फॉन्ट साइज़ को। तो अबाउट के अंदर जो H2 है और उसका जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़, उसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कर दूंगा 3.2 रैम।
ओके, और अबाउट के अंदर जो पैराग्राफ है उसको भी मैं चेंज करूँगा, और जो अबाउट के अंदर पैराग्राफ है उसका जो फॉन्ट साइज मैं कर दूंगा 1.6 RAM, और जो इसका कलर है, जो पैराग्राफ का कलर होगा उसको मैं चेंज करके 555 कर दूंगा। ओके, और अबाउट के अंदर मेरे पास एक और है, ये जो मेरे पास अबाउट ऑफ ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको भी मैं स्टाइल करूंगा, तो इसको स्टाइल करते हैं। तो अबाउट के अंदर एक क्लास है स्मॉल, ओके, और इस स्मॉल को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, इसका फॉन्ट साइज 1.6 RAM, और यहाँ पे इसका कलर मैं थोड़ा सा और लाइट करूँगा, और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट वेट है उसको मैं कर दूँगा यहाँ पे 600। ओके, और अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। अभी हम इसकी इमेज को ठीक करते हैं थोड़ा। ओके ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, जो डॉट अबाउट के अंदर जो मेरी इमेज है, या फिर जो इमेज कंटेनर है पूरा मेरा, ये जो अबाउट इमेज है, जो पूरी क्लास है, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं पहले अबाउट इमेज। ओके, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं। अभी क्या है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने फ्लैक्स रैप को रैप नहीं किया। ओके, अब ये वेबसाइट है देखिए, अब इस वेबसाइट में क्या है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है ये टेक्स्ट और राइट साइड पे आ रही है फ़ोटो। ओके, जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा ना थोड़ा, तो ये टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा, फ़ोटो नीचे रह जाएगी। ओके, और इस तरह से आप कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप पहले इसका फ्लैक्स रैप तो ऑफ ही रहने दीजिए। अगर आप फ्लैक्स रैप ऑफ रहने देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, मीडिया क्वेरीज लगा के कम स्क्रीन पे, कम विड्थ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके फ्लैक्स सिलेक्शन को कॉलम कर सकते हैं। ओके, अगर आपको नहीं समझ आया पिछले 30 सेकंड में मैंने क्या बोला, इसका मतलब आपने फ्लैक्स बॉक्स की वीडियोस नहीं देखी, तो प्लीज़ उन्हें जाके देखिए। ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने फ्लैक्स बॉक्स से ही बनवाया, और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एम्फोसिस किया था फ्लैक्स बॉक्स पे। ओके, और यहाँ पे जो और एक और काम क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, इसको फ्लैक्स बेसिस दे सकते हैं, लेफ्ट को राइट को भी फ्लैक्स बेसिस दे सकते हैं, मतलब कि एक विड्थ सोच सकते हैं आप, विड्थ दे सकते हैं समझने के लिए, विड्थ समझ सकते हैं। और विड्थ दे के मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लैक्स रैप को ऑन कर सकता हूँ। ओके, उससे क्या होगा, जैसे उस विड्थ आई, वो वाली विड्थ आएगी जो मैं दूंगा, ओके, तो ये अपने आप स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा मैं फ्लैक्स रैप को ऑन करके और फ्लैक्स बेसिस दे के, और यहाँ पे नीचे आपको करके दिखाऊंगा कैसे आप मीडिया क्वेरीज को यूज़ करके फ्लैक्स डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो यही काम करते हैं हम। सबसे पहले ऊपर हम क्या करते हैं, जहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया, ओके, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स दिया ना, तो फ्लैक्स यहाँ पे फ्लैक्स फ्लैक्स रैप को यहाँ पे रैप कर देता हूँ मैं, और फ्लैक्स रैप को रैप कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रैप होने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये ऊपर है, ऊपर आ रह गया है, ये नीचे आ चुके हैं इमेज। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इमेज का जो भी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ओके, अब यहाँ पर जो अबाउट इमेज है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फ्लैक्स दे देता हूँ, फ्लैक्स ग्रो भी 1 दे देता हूँ, फ्लैक्स श्रिंक भी 1 देता हूँ, और फ्लैक्स बेसिस दे देता हूँ मैं 400 पिक्सल्स फॉर एग्जाम्पल। ओके, और इसको जो मैं पैडिंग दे देता हूँ वो दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 30 पिक्सल्स की। ओके, और अभी सिर्फ मैं इतना करता हूँ इसके साथ। ओके, तो अभी ये देखिए, अभी अभी मैंने क्या किया, जो इसका बाहर वाला कंटेनर है ना, इसको चेंज किया। ओके, अगर मैं इसको, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको बॉर्डर दूँ यहाँ पे 2 पिक्सल सोलिड रेड, ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये अभी इमेज अभी भी इसके अंदर आ रही है। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अभी एक और चीज़ देखिए, अब मैं ये जो अबाउट टेक्स्ट है ना, इसको भी देता हूँ अभी मैं, क्योंकि मैंने अबाउट टेक्स्ट को कुछ नहीं दिया, मैं क्या करता हूँ, जो अबाउट ओके, तो अभी भी यहाँ पे कुछ असर नहीं हुआ ज़्यादा। ओके, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करेंगे हम, अब हम जो अबाउट इमेज के अंदर जो इमेज है ना, इसकी विड्थ को और हाइट को चेंज करेंगे। ओके, इसको हम डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक। ओके, बाय डिफॉल्ट इमेजेस होती हैं वो इनलाइन ब्लॉक की तरह, कुछ कुछ इनलाइन ब्लॉक की तरह काम करती हैं, तो मैं उसको ब्लॉक में चेंज कर दूंगा। इसकी हाइट मैं 400 पिक्सल्स रहने दूंगा, और जो इसकी मैक्स विड्थ रहेगी वो रहेगी यहाँ पे, यहाँ पे अभी मैक्स विड्थ नहीं देता मैं,
ओके तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने इसको विड्थ दी तो ये कैसे अलाइन हो चुके हैं रो में, ओके, क्योंकि ये इमेज का जो विड्थ थी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, ओके। अब मैं इसको श्रिंक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये कैसे नीचे आ रहा है खुद ब खुद, ओके। अब यहाँ पे जो इमेज है ना, इसके चेंज करते हैं इसकी विड्थ को, ओके। अब मैक्सिमम विड्थ जो इसकी, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ रहेगी वो रहेगी इसकी 100%, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ इसकी 100% रहेगी ताकि ये ओवरफ्लो ना हो, ओके, अपने कंटेनर से बाहर ना निकले, ओके। और एक और चीज़, और मैं आपको करके दिखाता हूँ, अब जो इमेज, अब इसका जो मार्जिन है ना वो, इसको मैं रहने दूंगा ऑटो। और जो ऑब्जेक्ट फिट, कई बार क्या होता है हमारी इमेज ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हमारी इमेज ना श्रिंक हो रही है यहाँ पे। मैं नहीं चाहता मेरी इमेज श्रिंक हो इस तरह से, ओके। तो मैं इसकी इमेज का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो उसको मेंटेन रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट फिट कवर और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट पोजीशन मतलब कि आप किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, मतलब कि लेफ्ट साइड की इमेज को आप ऐसी रखना चाहते हैं या फिर आप सेंटर से इसको ऑब्जेक्ट फिट करना चाहते हैं, तो किस तरह से करना चाहते हैं। अगर मैं सेंटर करूँगा, ओके, तो सेंटर भी सही है, जैसे मैं इसको श्रिंक करूँ तो सेंटर भी सही है, ठीक है। बट सेंटर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो इस साइड वाली इमेज है ना, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ओके। मुझे ज़रूरत है ज़्यादा इस साइड की इमेज की, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट फिट इसका राइट साइड कर देता हूँ, ओके। तो अगर मैं देखिए, अगर मैं इसको श्रिंक करूँगा, ओके, तो ये राइट साइड से मेरी इमेज बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, ओके। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ और देखते हैं हम, तो अभी इतना हो चुका है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, ये अभी सेंटर में आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये कुछ इस तरह से सेंटर में आ रहा है। इसको कैसे ला सकते हैं हम सेंटर में, उसकी बात करते हैं आप। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो अबाउट टेक्स्ट है ना, इसका जो मार्जिन है इसको कर दूंगा ऑटो। जैसे इसको ऑटो करूँगा आप देखना जादू होगा, अब ये बिल्कुल ऐसे सेंटर में आ चुका है। कई लोगों को ये बात पता नहीं होती है, अगर आप फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अपने फ्लैक्स आइटम को अगर आप मार्जिन ऑटो देंगे तो वो वर्टिकली भी बीच में लाइन हो जाएगा, ओके। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप, ओके। तो इसको मैंने पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, ओके। अब ये इतना तो हो चुका है, अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अब इसमें एनिमेशन है थोड़ी सी, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं ये कैसे, ये लेफ्ट से आ रहा है, ये राइट से आ रहा है, तो ये कैसे कर सकते हैं आप। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और एनिमेशन लगाने की कोशिश कीजिए इसमें, आई होप आपने ट्राई किया होगा, ओके। अब लगाते हैं एनिमेशन। अब एनिमेशन दो चीज़ों में लगनी है, एक अबाउट इमेज पे लगनी है, एक अबाउट टेक्स्ट पे लगनी है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले अबाउट इमेज पे एनिमेशन लगा देता हूँ, यहाँ पे एनिमेशन। अब एनिमेशन लगानी है, ओके। एनिमेशन, अब सबसे पहले बात करनी है कि एनिमेशन का नाम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अबाउट इमेज एनिमेशन, ओके। कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, एक्स वाई जी। उसके बाद आपको ये देखना है कि कितनी देर में एनिमेशन होगी। अब एनिमेशन होगी 1 सेकंड में, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम कि एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन क्या होगा, मतलब कि ईज इन होगा, ईज आउट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईज इन आउट, ओके। अब उसके बाद एनिमेशन फिल मोड भी लिख सकते हैं, मतलब कि हमारे पहले आइटम थे लेफ्ट में था, एक राइट में था, अब यहाँ पे स्लाइड हो गई, ये सेंटर में आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ सेंटर में ही रहें, दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मत जाएं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉरवर्ड्स कर सकता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं इसको ना, अभी क्या है, अभी ये सेंटर में बीच में है, मैं इसको बाय डिफॉल्ट क्या करूँगा, इसको अपनी स्क्रीन से पहले बाहर निकाल दूंगा, इसको लेफ्ट से बाहर निकाल दूंगा, इसको राइट से बाहर निकाल दूंगा। और जब एनिमेशन होगी, एनिमेशन क्या करेगी, इसको सेंटर में ले आएगी, ठीक है। तो मेरे को एनिमेशन वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ एक्स डायरेक्शन में। और इमेज के लिए, इमेज को मैंने कहाँ पे भेजना है, इमेज को मैंने राइट साइड पे भेजना है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू दूंगा मैं। और कितनी दूंगा पॉजिटिव वैल्यू, 150% दे दूंगा फॉर एग्जांपल, ओके। और अब मैं क्या करना है, मुझे बस अब की फ्रेम बनाना है इस एनिमेशन के लिए। तो इस एनिमेशन के लिए की फ्रेम बना लेता हूँ मैं, की फ्रेम, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अबाउट इमेज, अबाउट इमेज एनिमेशन, ओके, अबाउट इमेज एनिमेशन। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी पहले तो ये अपनी स्क्रीन से बाहर ही निकल चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो ये देखिए ये कहाँ पे जा चुका है, अभी यहाँ से आएगा सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे मुझे 0% लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट 100% लिख सकता हूँ। मतलब कि 100% पे क्या होगा, 100% पे क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्म होगा
और ट्रांसलेट होगा उसको हम कर देंगे ज़ीरो। ओके तो ये मुझे एनिमेशन वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ओके रिफ्रेश करता हूँ। ओके तो आप देख सकते हैं ये कैसे मेरे पास राइट से स्लाइड होके आ रहा है बीच की तरफ। ओके और राइट और यहाँ पे ऐसी सेम कुछ इसी तरह का काम करना है मुझे यहाँ पे इसमें अबाउट टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ अबाउट टेक्स्ट एनिमेशन, अबाउट टेक्स्ट एनिमेशन और इतना सब कुछ सही है। और यहाँ पे इसको जो ट्रांसफॉर्म है वो मैं कर देता हूँ बट नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके अब नेगेटिव डायरेक्शन में करने के बाद मुझे क्या करना है इसका एक बनाना पड़ेगा की फ्रेम और यहाँ पे लिख दूंगा मैं टेक्स्ट और यहाँ पे मैं कर दूंगा ज़ीरो। ओके बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके और जैसे ओरिजिनल वेबसाइट की एनिमेशन दिखाता हूँ आपको मैं कुछ इस तरह से दिखेगी और यहाँ पे इसकी एनिमेशन भी मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रही है। ओके तो एनिमेशन यहाँ पे काम कर रही है अच्छे से। ओके अगर मैं देखूँ ओके तो एनिमेशन मेरे पास काम कर रही है यहाँ पे। आप एनिमेशन को अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं इसका टाइम अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है कम कर सकते हैं। ओके तो ये सब काम आप कर सकते हैं। ओके तो ये हो गई एनिमेशन और आई थिंक अभी मेरा अबाउट कंप्लीट हो चुका है इसका CSS कंप्लीट हो चुका है। ओके तो अबाउट का जितना भी CSS था वो मैंने कंप्लीट कर दिया एंड आई होप आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम इस सेक्शन की बात करेंगे जो मैंने लिखे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फूड। ओके और इस सेक्शन की बात करेंगे हम और इस सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक तीन इमेजेस हैं और जैसे ही इस इमेज से मैं होवर करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का इफेक्ट मेरे को देखने को मिल रहा है और ये बटन जो है वो क्लिकेबल है। जैसे इसमें मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास पेज ओपन हो रहा है। ओके तो इस तरह से आप कैसे कर सकते हैं वो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। हम HTML में लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी CSS की। और ये जो ओवरले है ठीक है ये मैंने आपको बताया था कुछ वीडियोज़ पहले ओवरलेज की वीडियोज़ थी जो। ओके और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आप ये काम किस तरह से कर सकते हैं। ओके तो स्टार्ट करते हैं इसके HTML लिखना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक सेक्शन बना लूँगा जिसको आईडी दे दूंगा फूड फॉर एग्जांपल आप कुछ भी आईडी दे सकते हैं। ओके उसके बाद मैं S2 लिख लूँगा और यहाँ पे लिख लूँगा टाइप्स ऑफ फूड। ओके और उसके बाद मैं क्या करूँगा एक डिव बना लूँगा जिसको क्लास दूंगा फूड कंटेनर फूड रैपर जो भी आप लिखना चाहते हैं और मुझे इसे कंटेनर के अंदर भी फिट करना है मतलब कि 1200 पिक्सल्स के अंदर तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगा एक कंटेनर क्लास के अंदर इसको डाल दूंगा। ओके उसके बाद मैं क्या करूँगा उसके बाद इस कंटेनर के अंदर मुझे चाहिए यहाँ पे तीन चीज़ें ठीक है मेरे को तीन डिव चाहिए। जो पहला डिव चाहिए वो होगा मेरा फूड टाइप और मुझे इस तरह के तीन डिव चाहिए। ओके तो तीन डिव हो गए और मुझे क्या करना है अब यहाँ पे तीनों को एक यूनिक क्लास दे देता हूँ। इसको दे देता हूँ फ्रूट और इसको दे देता हूँ वेजिटेबल और इसको दे देता हूँ ग्रेन। ऑलराइट और इसके बाद तीनों के अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अब हर एक के अंदर क्या होगा हर एक के अंदर होगी एक इमेज कंटेनर। ओके डॉट हर एक के अंदर इमेज होगी तो उसके लिए मैं बना लूंगा इमेज कंटेनर। ओके और इमेज कंटेनर के अंदर इसी इमेज कंटेनर के अंदर पहले होगी एक इमेज। ओके और इस इमेज के बाद होगा मेरे पास ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ठीक है तो ये भी होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इसके लिए मैं एक अलग से डिव बना लूँगा जिसको मैं दे दूँगा इमेज कंटेंट फॉर एग्जांपल इमेज कंटेंट। ओके तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। ये थोड़ा स्ट्रक्चर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ठीक है अगर आपने ओवरले की वीडियो नहीं देखी तो ओवरलेज की वीडियो देख सकते हैं आप और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको देख के आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस स्ट्रक्चर के बारे में और ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया मैंने कुछ इस तरह से स्टाइल करने के लिए। ओके ऑलराइट और यहाँ पे अब इमेज है अब इमेज मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी मैं डालूंगा यहाँ पे और उससे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे। ओके
अब इसको फिल करना स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे जो इमेज है, और यहाँ पे इमेज होगी मेरी इमेज फोल्डर में, और सबसे पहले मैं इमेज डाल दूंगा यहाँ पे फूड 1.jpg। ओके, और ऐसे मैं यहाँ पे इमेज यहाँ पे डालूंगा। वेट, पहले मैं फर्स्ट वाले को कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद इमेज कंटेंट के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक मुझे S3, फॉर एग्जांपल S3 चाहिए मुझे, और इसमें लिख लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल फ्रूट। ओके, और फ्रूट लिखने के बाद मुझे यहाँ पे एक चाहिए, ये बटन देख सकते हैं, ये ऊपर वाला बटन। ओके, तो इमेज कंटेंट के अंदर जो इसके ऊपर आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ए, और यहाँ पे मैं लिंक अभी डाल दूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल HTTPS और यहाँ पे इसको मैं क्लास भी दे देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे मैं BTN और यहाँ पे BTN प्राइमरी। ओके, क्लास देने के बाद मैं यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। ओके, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल लर्न मोर। ओके, ऑल राइट, तो इतना सही है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी है मुझे क्लास के बाद, यहाँ पे मैं इसको टारगेट दे देता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक, ताकि ये नए टैब में ओपन हो। ओके, ऑल राइट, तो इतना हो गया। तो अभी मुझे करना क्या है, देखिए अब इस वेजिटेबल के अंदर भी देखिए, फूड कंटेनर, फ्रूट्स के अंदर जो पूरा इमेज कंटेनर है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा इमेज कंटेनर, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके, और यहाँ पे मुझे फूड 2 चाहिए, यहाँ पे फूड 2 लिख लूँगा, और यहाँ पे मुझे फ्रूट्स की जगह आई थिंक यहाँ पे सेम लिंक है, बस यहाँ पे वेजिटेबल है, तो मैं यहाँ पे इसको लिंक को चेंज कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ वेजिटेबल, और ऐसे यहाँ पे जो मेरे पास ग्रेन्स है उनको भी देख लेते हैं, और इसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे सेम मैं पूरा इमेज कंटेनर कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे फूड 3.jpg मेरे पास है, और यहाँ पे मैं इसको ग्रेन कर देता हूँ, ग्रेन, और यहाँ पे मैं इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो चुका है, तो मेरे पास 3 div बन चुके हैं। अब मैं देखता हूँ ये बने हैं या नहीं बने, मैं इनको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ओके, ऑलराइट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फूड, एक इमेज आ रही है मेरे पास, दूसरी इमेज आ रही है, और तीसरी इमेज आ रही है। ओके, और अब ये इमेजेस बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस हैं, अब इसको हम स्टाइल करेंगे कुछ इस तरह से करेंगे। ओके, और मैं आपको एनकरेज करूँगा, प्लीज़ आप इसको खुद ट्राई कीजिए कि आप इसकी CSS को कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको कुछ नहीं, फ्लैक्स बॉक्स में इसको डिस्प्ले फ्लैक्स देनी है, किसको फ्लैक्स देनी है, जिसमें तीनों आइटम्स है, फूड कंटेनर को फ्लैक्स दे देना, उसके इमेज के साइज़ को चेंज कर देना, उसके बाद यहाँ पे ओवरले लिख देना, ओवरले के लिए आप स्यूडो एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, बिफोर या आफ्टर। ओके, और यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म, ये सब होगा, तो इसमें इसकी CSS लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसकी CSS कैसे लिख सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए आप, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ओवरले की वीडियो में, अगर आपने ओवरले की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा एम्फोसिस क्यों नहीं कर रहा, लाइक ये सब स्ट्रक्चर दोबारा से समझाने के लिए, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो कर रहे हैं, तो आपको जो चीज़ें पहले से अच्छे से मैंने करवा दी हैं उस पर दोबारा दोबारा टाइम स्पेंड करना सही नहीं रहेगा, और इसीलिए एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। है एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जो फूड सेक्शन हमने लिखा था इसकी CSS लिखेंगे। ओके, और मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा, जो मेरा टाइप्स ऑफ फूड है यहाँ पे लिखा हुआ, उसके नीचे जो CSS है कुछ इस तरह से दिख रही है। ओके, तो देखते हैं ये कैसे दिखेगा ये। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे CSS में आता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ फूड कैटेगरी
स्टाइलिंग। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी फूड आईडी थी उसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। और पैडिंग मैं दूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चारों दिशाओं में। कैसे दूंगा, 5 RAM दूंगा टॉप और 0 दूंगा मैं राइट साइड और 10 RAM दूंगा मैं बॉटम और 0 दूंगा लेफ्ट साइड। ओके, इतना हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा है फूड, मैं आपको एक बार ना साइड में ओपन कर लेता हूँ इसको थोड़ा। तो अभी देखने में काफ़ी अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं, अब इसको सही करेंगे। उसके बाद जो H2 है इसको मैं टेक्स्ट अलाइन कर लेता हूँ इसका सेंटर। और जो इसका फॉन्ट साइज़ है मैं उसका कर देता हूँ 3 RAM। ओके, और उसके बाद उसका जो फॉन्ट वेट है उसको मैं कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, 400 कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं इसको मार्जिन बॉटम दूंगा 40 pixels का। और यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं कर दूंगा इसका अपर केस। और जो कलर यूज़ करूँगा इसके लिए मैं वो यूज़ करूँगा 5x5। ऑलराइट, तो टाइप्स ऑफ फूड कुछ इस तरह से लिखा चुका है मेरे पास। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो फूड कंटेनर है जिसके अंदर ये तीनों इमेजेस हैं, ओके, उसके बात करते हैं फूड कंटेनर। ओके, उसके बाद मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा स्पेस बिटवीन। ऑलराइट, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और चीज़ें देखते हैं। और जो इमेज है उसको देखते हैं अब, जो फूड कंटेनर है उसके अंदर जो इमेज है उसको देखते हैं, उसको डिस्प्ले कर देंगे हम यहाँ पे ब्लॉक। ओके, और उसकी जो विड्थ कर देंगे हम वो कर देंगे 100%। ओके, और विड्थ 100% करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा मेरे पास। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसका मार्जिन देख लूँगा, ऑटो कर दूँगा मैं। और इसका जो मैक्स हाइट है वो रख दूँगा मैं 300 pixels, ताकि इसकी हाइट 300 pixels से ज़्यादा ना हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट फिट मैं कर दूँगा इसका कवर, और ऑब्जेक्ट पोजीशन कर दूँगा मैं इसकी सेंटर। ओके, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इतना हो गया। इसके बाद जो डॉट इमेज कंटेनर है ना मेरा, जो डॉट इमेज कंटेनर है इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 टॉप और बॉटम और 1 RAM लेफ्ट एंड राइट में। ओके, तो कुछ इस तरह से मेरी इमेजेस आ जाएंगी, आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस आ चुका है इनके बीच में। ओके, और इसके अलावा मैं इसकी पोजीशन को जो सेट करूँगा, उसकी पोजीशन सेट करूँगा मैं रिलेटिव। ओके, अब बात करते हैं इसकी, जो फ्रूट्स आ रहा है या फिर लर्न मोर आ रहा है इसको हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं। ओके, और एक मिनट, यहाँ पे जो BTN प्राइमरी क्लास नहीं दी क्या मैंने इसको, मैं देखता हूँ एक बार, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, यहाँ पे प्राइमरी आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे BTN मैंने क्लास दे दी इसको BTN प्राइमरी। अब यहाँ पे ये ग्रीन कलर के हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे इसको पोजीशन मैं इसको रिलेटिव दूंगा, जो इमेज कंटेनर है। ओके, इसके बाद जो इमेज कंटेंट है, जो फ्रूट और लर्न मोर लिखा है इसको देखते हैं आप, ठीक है। ये इमेज कंटेंट के अंदर है, तो इमेज कंटेंट यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन को कर दूंगा मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट। ओके, इसको अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको टॉप से मैं कर देता हूँ 70% नीचे, और लेफ्ट से मैं कर देता हूँ इसको 50% साइड में, ठीक है। टॉप से मैं ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टॉप से मैं फिर इसको देखिए, मुझे कुछ इस तरह का चाहिए ना, ताकि ये थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरह की ट्रांजिशन चाहिए ना, तो इसलिए मैं अभी जान के इसको टॉप से नीचे 70% नीचे धकेल रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकता हूँ मैं इसको -50% और यहाँ पर -50%। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा अभी। ओके, तो कोई बात नहीं, इसको हम सही करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे अभी इसको। और एक और चीज़ हम करेंगे यहाँ पे,
इसकी जो ओपेसिटी अभी फ़िलहाल के लिए रखते हैं जीरो, अभी मुझे नहीं दिखेंगे, मैं चाहता हूँ इसके होवर करके दिखें, ओके। और उसके बाद जो इसका जी इंडेक्स, अभी पहले इसकी ओपेसिटी ना मैं भी ज़ीरो नहीं करता इसको, पहले इसका जो जी इंडेक्स है ना, जी इंडेक्स उसको मैं कर दूंगा 2, ओके, क्योंकि इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी आएगा अभी ब्लैक कलर का, वो भी हम करेंगे अभी, ओके। और जो इसका टेक्स्ट लाइन है उसको कर देते हैं हम सेंटर, ओके। और इसकी ओपेसिटी अभी ज़ीरो ही कर देते हैं, ओके। तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, अभी कुछ होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने कुछ किया नहीं अभी, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो इमेज कंटेंट है उसके अंदर जो H3 है उसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, एंड आई थिंक मुझे इस प्रोजेक्ट में भी यूटिलिटी क्लासेस बनानी चाहिए थी, फिर मुझे हर एक हेडिंग को ऐसे पकड़ पकड़ के स्टाइल ना करना पड़ता, ओके। और यहाँ पे मैं इसको फॉन्ट साइज दे दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 रैम, और इसके अंदर जो एंकर टैग है ना, मुझे कुछ नहीं करना है इन एंकर टैग का, जो इनका फॉन्ट वेट है वो 500 और फॉन्ट साइज इनका 1.2 रैम। फॉन्ट वेट 500 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको क्लास दिया B10, और B10 में मैंने हर बटन को फॉन्ट वेट 500 दिया, तो करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अभी आपको देख नहीं रहा है क्या क्या हो रहा है, तो इसको हटाते हैं। तो अभी कुछ इस तरह से हो चुका है, आई नो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पर अभी लगेगा, एक सेकंड रुक जाइए बस। इसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए थोड़ा ओवरले, ओके। तो ओवरले कैसे कर सकते हैं हम वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इमेज गाइस, ये मैं एक वीडियो में सिखा चुका हूँ ओवरले कैसे बनाते हैं, ये कैसे काम करता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कंटेंट कर दूंगा और यहाँ पे इसकी डिस्प्ले कर दूंगा मैं ब्लॉक, इसको पोजीशन दे दूंगा मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट, इसको टॉप से कर देंगे 0, लेफ्ट से कर देंगे 0, विड्थ दे देंगे इसकी 100%, हाइट कर देंगे इसकी 100%, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कर देंगे हम इसका RGBA, और यहाँ पे 0.871 फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी को कर दूँगा 0, ये भी मुझे ना दिखे, और इसका Z इंडेक्स मैं कर दूँगा 1, इसका Z इंडेक्स मैं 2 करूँगा, और इसका Z इंडेक्स मैं 1 करूँगा, ताकि अगर इसे होवर करूँ तो ये ऊपर आए और ये चीज़ें मेरी, ये बैकग्राउंड मेरा नीचे आए, ओके। जी इंडेक्स 1, और पहले इतना रहने देते हैं अब इसको, ठीक है। अभी इसकी ओपेसिटी 0 है ना, इसकी ओपेसिटी 0 पे नहीं रखते, ठीक है। अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे, और इसको मैं थोड़ा सा ना चौड़ा करता हूँ इसको, अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको सही करेंगे हम। और इतना होने के बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, पहले इसको ना क्या करते हैं, इसको ट्रांजिशन ऐड करते हैं इस पर, ओके। मैं चाहता हूँ जैसे इस पर होवर करूँ ना, तो ये ट्रांजिशन होके ये नीचे से कुछ इस तरह से ऊपर आए, ठीक है, जैसे नीचे से ऐसे ऊपर आ रहा है, कुछ इस तरह से ऐसे ऊपर आए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म कैसे यूज़ करूँगा, ट्रांसफॉर्म मैं यूज़ करूँगा स्केल, मैं स्केल करना चाहता हूँ किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और पहले मैं 0 स्केल कर दूँगा, 0 वाई डायरेक्शन में स्केल 0 कर दूंगा। और जो इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजन है ना गाइज, ये चीज़ें मैं पहले ही सिखा चुका हूँ अच्छे से, ओके। ट्रांसफॉर्म ओरिजन यहाँ पे 100% और यहाँ पे 100%, ओके, ताकि इसका जो ओरिजन है वो मैं क्या कर दूँ, नीचे कर दूँ, ओके, फिर ये नीचे से ऊपर स्केल हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कर दिया इसका। और यहाँ पे ट्रांजिशन भी दे सकता हूँ मैं इसको, ट्रांजिशन दूंगा फॉर एग्जांपल ऑल 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड इज इन आउट, ओके, ऑल राइट। अब मैं देखिए, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस पर होवर करूँगा डॉट, अगर मैं इमेज कंटेनर पे होवर करूँगा, मतलब अगर ये स्यूडो क्लास जो आफ्टर है, ठीक है, सॉरी स्यूडो एलिमेंट जो है, आफ्टर स्यूडो एलिमेंट, अगर इस पर होवर करूँगा मैं, तो क्या होगा, तो इसकी ओपेसिटी हो जाएगी 1 और
ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये स्केल वाई वन। ओके अब देखना जैसे इस पर होवर करता हूँ आप कैसे ये ऊपर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यही वाला इफेक्ट चाहिए था तो ये हो रहा है। ओके और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डॉट अगर मैं यहाँ पे इमेज कंटेनर पे होवर करूँगा ओके, तो उसके बाद जो उसका इमेज कंटेंट होगा उस पर क्या असर होगा, उसकी ओपेसिटी हम कर देंगे यहाँ पे 1 और इसको टॉप से कर देंगे हम सिर्फ 40%। ओके तो ये ट्रांजिशन इस पर लग जाएगी। ओके ओके तो यहाँ पे भी मैंने ट्रांजिशन नहीं लगाई, तो ट्रांजिशन लगाते हैं पहले। ओके तो ये जो इमेज कंटेंट है इस पर ट्रांजिशन लगाते हैं। तो ट्रांजिशन कैसे लगाऊंगा मैं, ट्रांजिशन यहाँ पे मैं ऑल पे लगा देता हूँ और 0.3 सेकंड लगेंगे और टाइमिंग फंक्शन इज इन आउट कर देता हूँ मैं और 0.1 सेकंड। ओके ओके और अभी फिलहाल इसकी ओपेसिटी में 0 रहने देता हूँ। ऑलराइट तो ये सही काम कर रहा है अभी बिल्कुल। और अभी हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश नहीं की, अभी मैं ऊपर देखता हूँ तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी हम इसको रिस्पॉन्सिव भी बना देंगे, हम इसमें मीडिया क्वेरीज लगा के इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। ओके तो ये कुछ इस तरह से काम करना था। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि इसकी CSS कैसे लेगी। और गाइस अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक वीडियो है जो मैंने बनाई थी, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये मैंने सब काम कैसे किया। ओके थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फूड मेन्यू सेक्शन की, आप इसको कैसे बना सकते हैं। ओके इसके हम HTML में लिखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपनी वेबसाइट कुछ यहाँ तक बना ली थी। ओके आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने वेबसाइट बना ली थी और आज की इस वीडियो में इसका HTML में लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो HTML लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेक्शन टैग यूज़ करूँगा और उसको ID दे दूँगा मैं फूड मेन्यू। ओके और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक हेडिंग दूंगा इसको और हेडिंग दूंगा और यहाँ पे क्लास भी दे देता हूँ मैं इसको बाद में स्टाइल करने के लिए, फॉर एग्जांपल फूड मेन्यू हेडिंग। और इसके बाद हेडिंग में मैं लिख दूंगा फूड मेन्यू। ओके और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं एक डिव बनाऊँगा। ओके और जिसको क्लास दूंगा मैं फूड मेन्यू कंटेनर और साथ में इसको एक और क्लास दूंगा कंटेनर, ताकि मैं इसको कंटेनर के अंदर डाल सकूँ अपने। ओके उसके बाद मैं यहाँ पे मुझे 6 डिव चाहिए। सबसे पहले 6 डिव क्यों चाहिए मैं दिखा देता हूँ। ये 6 आइटम्स हैं तो मुझे हर एक आइटम को मैं एक डिव में डालूंगा। ओके और हर एक डिव के अंदर होगा 2 डिव होंगे, एक डिव होगा फोटो के लिए और एक डिव होगा फूड की डिस्क्रिप्शन के लिए। ओके हम क्या करेंगे, ये जो 6 डिव हैं ये 6 डिव भी एक कंटेनर में होगा। कौन से कंटेनर में होगा, फूड मेन्यू कंटेनर के अंदर। ओके तो इस फूड मेन्यू कंटेनर को भी हम फ्लैक्स दे देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके और जो हर एक डिव है यहाँ पे, हर एक आइटम है फूड मेन्यू, इसको भी डिस्प्ले दे देंगे हम फ्लैक्स। ओके फिर उसके बाद हम इसकी अरेंजमेंट कर लेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो डिव है ठीक है, इसके अंदर मुझे 6 डिव चाहिए। तो मैं पहला डिव बना लेता हूँ फूड मेन्यू आइटम। ओके तो ये डिव है मेरा फूड मेन्यू आइटम। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फूड मेन्यू आइटम और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस फूड मेन्यू आइटम के अंदर 2 डिव होंगे। ओके एक डिव होगा मेरे पास फूड इमेज और इसके बाद एक डिव होगा मेरे पास फूड डिस्क्रिप्शन, फूड डिस्क्रिप्शन। ओके और फूड इमेज के अंदर देखते हैं क्या होगा, फूड इमेज के अंदर मेरे पास एक होगी फोटो इमेज, टैग यूज कर लूंगा मैं और सोर्स यूज कर लूंगा मैं यहाँ पे जो मेरा इमेज फोल्डर के अंदर है मेरा फूड मेन्यू 1.jpg। ओके और फूड डिस्क्रिप्शन, अब फूड डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 चीज़ें हैं, मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले है फूड टाइटल, उसके बाद एक पैराग्राफ है और उसके बाद है मेरे पास प्राइस। ओके तो मैं ये तीनों चीज़ें लिख लेता हूँ और देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी टैग यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे H2 यूज़ कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। इसको क्लास दे दूंगा मैं यहाँ पे फूड टाइटल। ओके और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फूड मेन्यू आइटम 1 और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैराग्राफ लिख लूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा फॉर एग्जांपल लोरम 10
और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख लूँगा और जिसको मैं क्लास दे दूँगा फूड प्राइस। और इतना सब होने के बाद यहाँ पे मैं प्राइस की एंटिटी यूज़ करूँगा, ये रुपी सिंबल है ना, इसके लिए यहाँ पे कोड यूज़ करूँगा, HTML एंटिटी यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे कोलन, यहाँ पे एम्परसेंट, और यहाँ पे 8377 #8377। ओके ऑल राइट, तो अब क्या करेंगे हम, अब देखते हैं अपनी वेबसाइट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग आ रही है फूड मेन्यू, और यहाँ पे रुपी सिंबल की एंटिटी भी आ रही है। ओके और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ, यहाँ पे प्राइस लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 250। ओके तो ये एक हो गया फूड मेन्यू आइटम, और ऐसे मुझे चाहिए 6 फूड मेन्यू आइटम। तो मैं क्या करूँगा, 6 फूड मेन्यू आइटम के लिए कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ओके और अब मैं क्या करूँगा, इनकी सबसे पहले फ़ोटो को चेंज कर दूँगा, यहाँ पे फूड मेन्यू आइटम 2, और यहाँ पे इसकी फ़ोटो को मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा, और नीचे इसकी ये 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके होंगे 6 आइटम्स, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 आइटम्स आ चुकी हैं। अब मुझे करना क्या, अब इसे देखिए HTML तो यही था, HTML ये ख़त्म हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको इसको स्टाइल करने की कोशिश करनी है, आप देखना आप इसको कैसे स्टाइल कर सकते हो। ओके कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करना फ्लैक्स बॉक्स से, काफ़ी ईजी है। ओके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम फूड मेन्यू आइटम्स हैं जो हमारी उसकी CSS लिखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ये बनाया था, और आई होप आपने ट्राई किया होगा कि इसको इसमें चेंज करने की कोशिश की होगी फ्लैक्स बॉक्स को यूज़ करके। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। ओके तो मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके और यहाँ पर मैं इसको, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना, और मैं देख लेता हूँ मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है अभी। ओके और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फूड सबसे पहले मैं जो फूड मेन्यू हेडिंग है उसको ठीक करता हूँ। ओके तो सबसे पहले मैं इसका जो फॉन्ट साइज है वो करता हूँ 4 RAM, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा इसका सेंटर, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने के बाद इसका फॉन्ट वेट मैं कर दूंगा नॉर्मल, मतलब 400। और उसके बाद मैं इसका जो कलर है वो काफ़ी लाइट कर दूंगा, फॉर एग्जांपल 666। ओके तो आप देख सकते हैं फूड मेन्यू यहाँ पे आ चुका है। और अब क्या करता हूँ, जो फूड मेन्यू, दो चीज़ें हमारे पास, एक फूड मेन्यू कंटेनर है और एक फूड मेन्यू आइटम है। ओके तो मैं क्या करूँगा, फूड मेन्यू कंटेनर और फूड मेन्यू आइटम दोनों को डिस्प्ले दे दूँगा फ्लैक्स, यहाँ पे फूड मेन्यू कंटेनर, इसको मैं डिस्प्ले दूंगा यहाँ पे फ्लैक्स। ओके तो इसको मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स दे दी, पर ये देख सकते हैं आप एक ही लाइन में आ चुके हैं सारे। इसको ठीक करेंगे हम, और जो क्या होगा, फूड मेन्यू आइटम, फूड मेन्यू आइटम, इसको भी मैं डिस्प्ले दे दूंगा फ्लैक्स। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि इनको डिस्प्ले फ्लैक्स में क्यों दे रहा हूँ। ओके तो अभी देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से आ रहे हैं, बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लग रहे, पर अभी देखने में अच्छे लगेंगे। इसको और करते हैं हम, जो फूड मेन्यू कंटेनर है ना उसका जो हम फ्लैक्स रैप है उसको कर देंगे हम रैप। ओके और इसको हम पैडिंग दे देंगे चारों दिशाओं में, 50 pixels, 0 pixels, 30 pixels एंड 0 pixels। 0 के आगे पिक्सल्स लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके तो आप देख सकते हैं ये रैप हो चुके हैं, बट अभी इसमें और भी चीज़ें हैं जो हमें सही करनी है। सबसे पहले तो इमेज की बात करते हैं, इमेज काफ़ी बड़ी है जो इसके अंदर है, फूड मेन्यू कंटेनर के अंदर जो इमेज है उसको ठीक करते हैं। उसको डिस्प्ले करेंगे हम यहाँ पे ब्लॉक, और उसकी हम विड्थ करेंगे 250 pixels, हाइट भी करेंगे 250 pixels, और इसको सर्कल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी बॉर्डर रेडियस दे देंगे
50%, ओके। और 50% बॉर्डर रेडियस देने के बाद ऑब्जेक्ट फिट करेंगे हम कवर, और ऑब्जेक्ट पोजीशन हम करेंगे सेंटर, ओके। तो आप देख सकते हैं ये मेरी इमेज छोटी हो चुकी है, ओके, और पहले से ऑलरेडी दिखने में काफ़ी सही हो चुका है, बट अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं तो कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, ओके। अभी और काम करते हैं इसमें, थोड़ा और सही लगेगा, ओके। अब फूड मेन्यू आइटम की बात करते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, ओके। अब क्या है फूड मेन्यू आइटम, क्या है फूड मेन्यू आइटम, फ्लैक्स आइटम है किसके लिए, फूड मेन्यू कंटेनर के लिए, ओके। अब फ्लैक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज लगा सकता हूँ मैं इसके अंदर, ओके। तो मैं क्या करूँगा, इसको फ्लैक्स ग्रो श्रिंक और फ्लैक्स स्पेसिस दे देता हूँ। तो यहाँ पे फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ शॉर्ट हैंड, तो 11600 pixels, ओके। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका जस्टिफाई कंटेंट होगा जो, उसको कर दूंगा मैं इवनली स्पेस इवनली, और मार्जिन बॉटम भी दूंगा इसको मैं 3 RAM का, ओके। तो यहाँ पे मार्जिन बॉटम भी आ जाएगा 3 RAM का, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है, इसको बीच में करना है, ठीक है। तो इसके लिए मार्जिन ऑटो कर देंगे टॉप एंड बॉटम के लिए, ओके। तो फ्लैक्स, अगर आप फ्लैक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप मार्जिन आप वर्टिकली सेंटर भी कर सकते हैं, ओके, मैंने आपको बताया था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा फूड डिस्क्रिप्शन है, फूड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका जो मार्जिन है वो मैं ऊपर और नीचे के लिए ऑटो कर दूंगा, लेफ्ट एंड राइट के लिए 1.5 RAM कर दूंगा, ओके ओके। तो ये बन चुके हमारा, बस अब रह क्या गया, आप इन तीनों को अलग अलग से उठा के स्टाइल कर सकते हैं, लाइक इसका फॉन्ट वेट चेंज कर सकते हैं, इसका चेंज कर सकते हैं, इसका चेंज कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट फिर भी मैं कर देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं, ओके। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ, सबसे पहले फूड टाइटल की बात करता हूँ मैं। फूड टाइटल में मैं क्या करूँगा, इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको चेंज करके कर दूँगा 1.2 RAM से रहेगा, ओके। और उसके बाद मैं इसका फॉन्ट वेट है जो, वो उसको कर दूंगा 400 लाइक नॉर्मल, और जो उसका कलर है वो मैं कर दूंगा 444, ओके। और उसके बाद जो फूड डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको देख लेते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज है मैं करूंगा 1.4 RAM, और उसके बाद 1.4 RAM, उसके बाद इसका कलर मैं कर दूंगा यहाँ पे 555, और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट वेट है इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा 500 कर दूंगा। और इस फूड डिस्क्रिप्शन के बाद मेरे पास एक फूड प्राइस भी है, उसको भी देख लेते हैं। फूड प्राइस, ओके। और यहाँ पे इसका जो कलर है वो मैं कर दूंगा 117964। इसका जो फॉन्ट वेट है उसको मैं कर दूंगा यहाँ पे 700। ऑलराइट, तो अभी देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हैं मैं इसको ऑलराइट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी सही लग रहा है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये स्पेस ज़्यादा लग रहा है तो कुछ कर सकते हैं आप, मीडिया क्वेरीज लगा के। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग सही है इतना है, ओके। तो ये था गाइस कि आप कैसे कर सकते हैं काम। आई होप आपको अच्छी लगी हुई वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सेक्शन की, इस टेस्टिमोनियल सेक्शन की, ये आप कैसे बना सकते हैं, ओके। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार रेटिंग है, और नीचे क्या है, नीचे मेरे पास जो यूज़र कह रहा है अपना रिव्यू दे रहा है वो है, उसके बाद यूज़र की इमेज है और उसका नाम है, ओके। तो ये कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं, इसकी HTML लिखेंगे, ओके। और यहाँ पे स्टार रेटिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा फॉन्ट ऑसम, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी सर्च कर लेता हूँ cdnjs.com, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे फॉन्ट ऑसम, ओके। और यहाँ पे फॉन्ट ऑसम सर्च करूँगा, और यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा है जो आपको यहाँ पे, ओके, allmin.css, इसको मैं क्या करूँगा ओपन, यहाँ पे आप लिख कर सकते हैं ओपन लिंक टैग, तो यहाँ पे कॉपी किया मैंने ओपन लिंक टैग,
और यहाँ पे मैं सबसे ऊपर जाऊँगा HTML फाइल में और यहाँ पे लिंक कर दूँगा मैं। ओके ओके, तो ये पहले से मैंने लिंक किया हुआ था, सॉरी गाइस। ओके तो मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ, अगर आपने नहीं किया तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके उसके बाद बात करते हैं इसकी, ये हम कैसे बनाएंगे। ओके सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सेक्शन बना लेता हूँ जिसको आईडी दे दूँगा टेस्टिमोनियल्स। ओके टेस्टिमोनियल्स, और यहाँ पे मैं H2 बना लूँगा, इसको क्लास दे दूँगा मैं टेस्टिमोनियल टाइटल या कुछ भी। ओके उसके बाद यहाँ पे लिख दे दूँगा वर्ड के बाद यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा जिसको क्लास दे दूंगा मैं टेस्टिमोनियल कंटेनर, और कंटेनर के अंदर भी डाल दूंगा मैं। ओके और इसके बाद मेरे पास होंगे टेस्टिमोनियल बॉक्स, टेस्टिमोनियल बॉक्स, और टेस्टिमोनियल बॉक्स के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगी मेरे पास होगी एक दो नहीं कई चीज़ें होंगी, एक स्टार रेटिंग होगी मेरे पास, एक ये टेस्टिमोनियल होगा, एक उसकी इमेज होगी, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसका नाम भी होगा। ओके तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं टेस्टिमोनियल बॉक्स के अंदर एक होगा स्टार रेटिंग, तो स्टार रेटिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा मैं, इसको क्लास दूंगा मैं स्टार रेटिंग। ओके और स्टार रेटिंग के अंदर अभी देखते हैं क्या लिखेंगे, स्टार रेटिंग के बाद क्या होगा मेरे पास, एक होगा पैराग्राफ जिसको मैं क्लास दे दूंगा, एक पैराग्राफ है इसको क्लास दे दूंगा मैं फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्टिमोनियल टेक्स्ट। ओके टेस्टिमोनियल टेक्स्ट। ओके और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ लोरम 15। ओके लोरम 15 लिखने के बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ के बाद क्या करूँगा, एक डिव बना लूँगा कस्टमर डिटेल्स के लिए। ओके तो मैं एक डिव बनाऊँगा कस्टमर डिटेल, और कस्टमर डिटेल के अंदर क्या होगा, वही कस्टमर की फ़ोटो। ओके तो एक डिव बनाऊंगा कस्टमर फोटो, और यहाँ पे फोटो यूज़ कर लूँगा मैं, यहाँ पे इमेज है मेरे पास, इमेज सोर्स है मेरे पास, सोर्स है फॉर एग्जांपल, अगर आपको सेम इमेज यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेरे पास मेल फोटो 1। ओके इसके बाद यहाँ पे होगा कस्टमर का नाम। ओके तो कस्टमर डिटेल के अंदर जो पैराग्राफ होगा वो उसका नाम हो सकता है, आप यहाँ पे इसको क्लास पे दे सकते हैं फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम, मैं यहाँ पे क्लास नहीं दे रहा, मैं सिंपल लिख रहा हूँ जो या देनी चाहिए यहाँ पे क्लास हमें कस्टमर नेम। ओके और कस्टमर नेम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉन डो वेरी फेमस पर्सन, और यहाँ पे अब देखते हैं स्टार रेटिंग में क्या लिखना है। ओके स्टार रेटिंग में हम यूज़ करेंगे ये 5 स्टार है ना जो दिखा देता हूँ, ये 5 स्टार है, ये 5 स्टार यूज़ करेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट इनका कलर होता है ब्लैक, हम इनका कलर कर देंगे गोल्डन। ओके तो लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम स्पैन यूज़ करेंगे, इसको क्लास दे देंगे, जो क्लास है वो उसकी फ़ॉन्ट ऑसम की क्लासेस हैं। ओके तो हम इन क्लासेस को कहीं डिफाइन नहीं करेंगे, एफ ए स्टार और यहाँ पे चेक। ओके तो ये है स्पैन एफ ए स्टार और चेक्ड। ओके और ये हमें चाहिए 5 स्टार चाहिए हमें, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हेडिंग आ रही है मेरे पास, और यहाँ पे 5 स्टार भी आ रहे हैं, और यहाँ पे एस भी लिखा रहा है, इसको हटा देता हूँ मैं। ओके तो यहाँ पे 5 स्टार आ रहे हैं, उसके बाद ये रिव्यू भी आ रहा है उसका, उसके बाद उसकी फ़ोटो भी आ रही है, उसके नीचे उसका नाम भी आ रहा है। ओके और हमें चाहिए 3 चाहिए, ये जो टेस्टिमोनियल बॉक्स है ना, ये हमें 3 टेस्टिमोनियल बॉक्स चाहिए। ओके तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे 3 बार। ओके और इनका नाम भी चेंज कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे जॉन डो था, यहाँ पे होगा जेडो हो जाएगा, फिर यहाँ पे जोली डो, और यहाँ पे मेल फोटो 2, और यहाँ पे मेल फोटो 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों आ रहे हैं यहाँ पे, और अब इसको स्टाइल करेंगे गाइस। तो HTML लिखना था,
आप इसको सेल करने की कोशिश करना, कुछ इस तरह से इसको बनाने की कोशिश करना। ओके, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर लेना और फ्लैक्स रैप देख लेना, आप ऑन करना चाहते हो कि नहीं ऑन करना चाहते। अगर ऑन करोगे तो भी सही, या नहीं करोगे तो भी सही। अगर नहीं करोगे तो मीडिया क्वेरीज में हम इसको फ्लैक्स एरेक्शन रो सेज की कॉलम कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। हम यहाँ पे टेस्टिमोनियल एरिया बना रहे थे और हमने इसकी लास्ट वीडियो में HTML लिख ली थी। आई होप आपने ट्राई किया होगा इसके CSS लिखने के लिए। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखते हैं, तो इसकी स्टाइलिंग करेंगे हम। मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे किसकी स्टाइलिंग कर रहा हूँ मैं। गाइस, अभी हम ना ये बहुत बड़ी CSS फाइल बना रहे हैं, बस अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जब हम सैस पढ़ेंगे तो उसके बाद हम इसको स्प्लिट कर लेंगे मल्टीपल फाइल्स में और फिर हम साथ में यूज़ करेंगे सैस। ओके, यहाँ पे टेस्टिमोनियल की स्टाइलिंग करते हैं, देखते हैं टेस्टिमोनियल की स्टाइलिंग आप कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो टेस्टिमोनियल्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसा दिखेगा। ओके, तो ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जो इसको यहाँ पे मैं पूरा एरिया है जो इसको पैडिंग दे देता हूँ 5 RAM और यहाँ पे 0 RAM। ओके, तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी तो मैंने ठीक कर दी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ इसका, और बैकग्राउंड कलर मैं इसका थोड़ा लाइट रखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं करता हूँ इसका 0 0 0 और फिर इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ मैं 2 4 3 2। हाँ, ये सही लग रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। और इसके बाद तो टेस्टिमोनियल टाइटल है उसको देख लेते हैं। ओह गॉड, टेस्टिमोनियल टाइटल। उसके बाद इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसका फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल 3 RAM, और उसके बाद फॉन्ट वेट इसका मैं कर दूंगा नॉर्मल, मतलब 400, और उसके बाद मैं इसका कलर कर दूंगा 555। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है कुछ इस तरह से। ओके, और इसके बाद टेस्टिमोनियल कंटेनर है, टेस्टिमोनियल कंटेनर इसकी बात करते हैं। इसको हम डिस्प्ले दे दूंगा मैं फ्लैक्स। ओके, और जस्टिफाई कंटेंट दे दूंगा मैं इसको स्पेस बिटवीन। ओके, इसका फॉन्ट साइज जो रहेगा वो रहेगा 1.6 RAM। ओके, और जो पैडिंग रहेगी वो रहेगी 1 RAM। ओके, तो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखने में बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। ओके, उसके बाद क्या होगा, जो टेस्टिमोनियल्स के अंदर जो चेक्ड होंगे, एक जो टेस्टिमोनियल कंटेनर है ना उसके अंदर जो जो चीज़ें चेक्ड होंगी, मतलब इनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो स्टार रेटिंग है ना इनकी। ओके, जो स्टार रेटिंग है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, जो इनका कलर मैं कर दूँगा FF 9529 9529। ओके, तो इसका कलर चेंज हो चुका है, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। ओके, उसके बाद जो टेस्टिमोनियल बॉक्स है ना उसके अंदर जो टेस्टिमोनियल टेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। अभी टेस्टिमोनियल बॉक्स लिखना ज़्यादा सही है। ओके, और यहाँ पे टेस्टिमोनियल टेक्स्ट को देख लेते हैं, और टेस्टिमोनियल टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन दे देंगे सिंपल 1 RAM 0, और यहाँ पे इसको कलर दे देंगे हम 444। और अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पे
टेस्टिमोनियल टेक्स्ट के बाद जो टेस्टिमोनियल बॉक्स है ना उसको भी देखते हैं हम, इसकी स्टाइलिंग भी करते हैं थोड़ी। जो टेक्स्ट लाइन है उसको सेंटर करते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं 1 RAM की। ओके, तो 1 RAM की पैडिंग मैंने दे दी, और उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। उसके बाद इमेज की बात करते हैं। ओके, जो मेरी कस्टमर फोटो है, कस्टमर फोटो, उसके अंदर जो इमेज है उसकी डिस्प्ले कर देंगे हम ब्लॉक, वेट 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर, और यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर रेडियस है उसको मैं चेंज कर दूंगा 50% ताकि सर्कल हो जाए। उसके बाद मार्जिन ऑटो, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये कैसा हो चुका है अब। तो यही था गाइस, तो काफ़ी सिंपल था इसकी स्टाइलिंग करना, तो देखने में काफ़ी सही लग रहा है मुझे। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम ये सेक्शन बनाएंगे नीचे कॉन्टैक्टर्स का। ओके, इसके HTML लिखेंगे, इसके CSS लेंगे। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कैसे किया। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल मैं फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं यूज़ किया, तो इसका मतलब आपका फ्लैक्स बॉक्स अभी क्लियर नहीं, अच्छे से आपको फ्लैक्स बॉक्स नहीं आता, तो आप फ्लैक्स बॉक्स की वीडियोज़ देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है फ्लैक्स बॉक्स की वीडियोज़, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका HTML हम कैसे लिखेंगे, जो कॉन्टैक्ट पेज है इसका। ओके, तो स्टार्ट करेंगे, और ये जो कॉन्टैक्ट पेज है इसके HTML लिखेंगे और बात करेंगे किसको हम कैसे बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नीचे एक सेक्शन बना लेता हूँ मैं, इसको ID दे दूंगा मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ओके, और इसके बाद मैं एक div बना लूंगा यहाँ पे, जिसको मैं क्लास दे दूंगा कॉन्टैक्ट कंटेनर, और इसको कंटेनर के अंदर भी डाल दूंगा मैं। ओके, और कंटेनर के अंदर डालने के बाद यहाँ पे एक मेरे पास डिव होगा, इसके बाद कॉन्टैक्ट इमेज होगा। वैसे जो क्लासेस के नाम है ये आप अपनी मर्जी से रखिए, अच्छे अच्छे नाम। ओके, इसके अंदर एक इमेज होगी मेरे पास, और यहाँ पे इसका सोर्स होगा, यहाँ पे इमेज के अंदर मेरे पास एक इमेज है, रेस्टोरेंट इमेज .jpg। ओके, और एक तो कॉन्टैक्ट इमेज हो गया, और उसके बाद मेरे पास एक डिव बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, जिसको जिसको क्लास दूंगा फॉर्म कंटेनर, और उसके बाद यहाँ पे S2 में मैं यहाँ पे लिख लूँगा कॉन्टैक्टर्स। उसके बाद यहाँ पे इनपुट जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। ओके, और उसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर में यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी लिखूंगा मैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर यहाँ पे लिख लूंगा मैं यहाँ पे नेम। ओके, प्लेस होल्डर में बताऊंगा क्यों लिखा मैंने। उसके बाद एक इनपुट होगा ईमेल के लिए। ओके, और यहाँ पे प्लेस होल्डर यहाँ पे मैं लिख लूंगा ईमेल, ईमेल, और इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट एरिया। ओके, और यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख लूंगा मैं यहाँ पे टाइप योर टेक्स्ट हियर। या फिर टाइप योर मैसेज हियर, और यहाँ पे एक बटन बना लूँगा मैं सबमिट के लिए। ओके, तो यहाँ पे ए होगा, और यहाँ पे इसको क्लास दूंगा मैं BTN प्राइमरी। ओके, तो इतना इतना इसका था HTML, आप देख सकते हैं ये कैसा बहुत बेकार दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे कुछ लिखना भी है तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे सबमिट। ओके, तो ये इसका HTML है। इस HTML को अब हमें चेंज करना है कुछ इसमें CSS में। ओके, और ये प्लेस होल्डर क्या है ये मैं बता देता हूँ। ये जो लिखा रहा है ना नेम, ईमेल, टाइप योर मैसेज हियर, तो ये प्लेस होल्डर के कारण लिखा रहा है, और हमने इसमें लेबल नहीं दिया, तो सिंपल हमने प्लेस होल्डर से काम किया है। ओके, तो बात करेंगे कि इसको हम कैसे करेंगे स्टाइल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस कॉन्टैक्ट पेज की स्टाइलिंग करेंगे और देखेंगे कॉन्टैक्ट पेज हम कैसे बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट पेज कुछ इस तरह से दिखेगा और अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है और अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैं किसकी स्टाइलिंग कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट अस स्टाइलिंग। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट है मेरा जिसको मैंने आईडी दिया कॉन्टैक्ट, ओके, इसको पैडिंग दूंगा मैं 5 RAM और 0। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर दूंगा और इसका बैकग्राउंड कलर कर दूंगा मैं RGB और 226। ओके, तो ये ऐसा कलर हो चुका है कुछ कॉन्टैक्ट का। और इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंटेनर की स्टाइलिंग करते हैं। कॉन्टैक्ट कंटेनर, इसका डिस्प्ले कर देंगे हम यहाँ पे फ्लैक्स, इसका बैकग्राउंड कर देंगे हम FFF प्योर वाइट। उसके बाद कॉन्टैक्ट इमेज की बात करेंगे हम लोग, इसकी विड्थ रखेंगे हम 50%। ओके, और उसके बाद जो कॉन्टैक्ट इमेज तो मेरा डिफ था, उसके बाद जो कॉन्टैक्ट इमेज में जो एक्चुअल इमेज होगी उसको देख लेते हैं। इसका डिस्प्ले होगा ब्लॉक, हाइट इसकी रखूंगा मैं 400 पिक्सल्स, ऑब्जेक्ट फिट रखूंगा मैं इसका कवर, और ऑब्जेक्ट पोजीशन रखूंगा मैं सेंटर। इतना देखते हैं, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत बेकार दिख रहा है। ओके, इसको देखते हैं और इसकी विड्थ को भी थोड़ा चेंज करते हैं। इसकी विड्थ 100%, जिस जो इसका कंटेनर है उसका 100% इसकी विड्थ ले। ओके, तो ये विड्थ होगी इसकी। ओके, और इसके बाद बात करते हैं अब फॉर्म कंटेनर की थोड़ी। फॉर्म कंटेनर की, और फॉर्म कंटेनर को मैं पैडिंग दे दूंगा 1 RAM की, और इसको भी विड्थ दूंगा मैं 50% की, और इसको मार्जिन दूंगा मैं यहाँ पे ऑटो, जहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। और इसके बाद मैं जो फोम कंटेनर है ना, इसके अंदर जो इनपुट है इसकी स्टाइलिंग करूँगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसकी डिस्प्ले मैं कर दूंगा ब्लॉक, विड्थ कर दूंगा मैं इसकी 100%, और जो बॉर्डर होगा वो उसका हो जाएगा नन, और इसको सिर्फ बॉर्डर बॉटम देंगे हम जो होगा 2 पिक्सल सॉलिड DDD। और जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे उसको पैडिंग दूंगा मैं 1 RAM और 0 की, और जो इसकी बॉक्स शैडो होगी वो कोई बॉक्स शैडो नहीं होगी, वो होगी नन। और इसको आउटलाइन दूंगा मैं नन, आउटलाइन भी नहीं होगी कुछ, और इसको मार्जिन बॉटम 1 RAM। ओके, और जो इसको टेक्स्ट का कलर लिखूंगा वो होगा 444, और जो फॉन्ट वेट होगा वो थोड़ा होगा 500। ओके, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, इसको थोड़ा सही कर लेंगे हम। इसके बाद उसका टेक्स्ट एरिया, उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ी। तो इसके बाद टेक्स्ट एरिया, उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या क्या होगा। उसकी डिस्प्ले कर दूंगा मैं यहाँ पे ब्लॉक, और यहाँ पे इसकी विड्थ कर दूंगा मैं 100%, और इसका बॉर्डर होगा नन, इसका भी बॉर्डर नन होगा। ओके, और यहाँ पे बॉर्डर बॉटम इसका 2 पिक्सल सॉलिड DDD, पैडिंग 1 RAM और 0। अब इसके अंदर जो H2 है उसकी स्टाइलिंग करते हैं हम। इसका जो फोन साइज होगा वो होगा 3 RAM,
फ़ॉन्ट वेट मैं कर दूंगा नॉर्मल, कलर होगा वो होगा 4x4, और मार्जिन इसको बॉटम दे दूंगा मैं 1 ग्राम की। ओके, और इसके बाद मैं जो इसका बटन है उसका जो फोन उसके अंदर जो फोन साइज है उसको कर दूंगा 1.2 RAM का। ओके, इसको सेव करता हूँ मैं। ओके, तो अभी देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ओके ऑलराइट, तो देखने में काफ़ी सही लग रहा है। एक सेकेंड, इसमें कुछ कमी है, वो कमी देख लेता हूँ मैं, ये कमी है। ओके, तो अभी देखने में काफ़ी सही लग रहा है। ओके, अगर मैं टाइप करूँगा कुछ लिखा भी आ रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या रह गया, फुटर रह गया, तो उसको फुटर के देखते हैं कैसे होगा, फुटर के HTML और CSS। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे फैंसी फुटर और देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ओके, अभी मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, तो इसका फुटर बनाना है हमने, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। ओके, तो नीचे जाते हैं, यहाँ पे मैं फुटर टैग यूज़ कर लूँगा फुटर, और जिसको आईडी दे दूंगा मैं यहाँ पे फुटर। ओके, उसके बाद एक H2 होगा इसमें, और यहाँ पे रेस्टोरेंट वेबसाइट एम्परसेंट कॉपी सिंबल। ओके, तो ये थी हमारी HTML फुटर की। अब बात करते हैं इसकी CSS की, देखते हैं इसकी CSS में हमने क्या लिखना है। तो फुटर के अंदर होगा H2, उसके बाद इसका टेक्स्ट अलाइन हम कर देंगे सेंटर, फॉन्ट साइज कर देंगे हम इसका 2 RAM, पैडिंग कर देंगे हम इसकी 3 RAM, फॉन्ट वेट कर देंगे हम इसका 500, कलर हम कर देंगे इसका FFF, और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे RGB फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे 65 65 65। ऑल राइट, तो ये मेरा फुटर बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये था फुटर। ओके, अब इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके, अभी एक काम और करते हैं इसमें, सबसे पहले अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो देखनी, अभी पहले यही वीडियो देखते रहो। अभी यहाँ पे ये स्क्रोलिंग है ना, यहाँ पे कोई स्क्रोलिंग नहीं हो रही। ओके, स्क्रोलिंग हो रही है मतलब ऐसे हो रही है एकदम। ओके, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ी स्क्रोलिंग हो, वो स्मूथ स्क्रोलिंग हो। ओके, तो देखते हैं कैसे होगी। और सबसे पहले स्क्रोलिंग के लिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने ये लिखा है ना, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी IDs का नाम देना, जो भी आपने नीचे सेक्शन को ID दिया है। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू में यहाँ पे IDs का नाम देना, यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स है, टेस्टिमोनियल नहीं है। ओके, यस, तो ID का नाम देना है, और उसके बाद आप करना क्या, अब आपको स्क्रोलिंग तो हो रही है बट आपको थोड़ी स्मूथ स्क्रोलिंग चाहिए। तो मैं एक बार क्या करता हूँ इसको ना, यहाँ से ओके, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कैसे स्मूथ स्क्रोलिंग हो रही है। ओके, तो आप देख सकते हैं कैसे स्क्रोलिंग हो रही है, तो मुझे कुछ इसी तरह की स्क्रोलिंग चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट स्मूथ स्क्रोलिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे इसलिए सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे ऑनलाइन, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, हो सकता है आपको समझ में आ जाए जिनको पहले से जावास्क्रिप्ट आती है। ओके, तो बट मैं इस कोर्स में जावास्क्रिप्ट ऐड करूँगा पर बाद में सिखानी स्टार्ट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप W3 स्कूल का देख सकते हैं यहाँ पे कैसे स्क्रॉल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे करना है क्या, इसका कोड कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पे इसको मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे इंडेक्स और HTML में। मैं इसको लास्ट में बॉडी से पहले यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ और स्मूथ स्क्रॉलिंग। ओके,
ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया अभी, लाइक मैं देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग हो रही है यहाँ पे, और काफ़ी स्मूथ स्क्रॉलिंग हो रही है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं आप इसको पढ़ सकते हैं, लाइक यहाँ पे आप इसका टाइम चेंज कर सकते हैं, लाइक 800 स्पेसिफाई ऐसा नंबर ऑफ मिली सेकेंड से टेक्स्ट टू स्क्रॉल। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं कि कितना मिली सेकेंड लगेगा, कितना सेकेंड लगेगा स्क्रॉल होने में। और ये गाइस क्या है, ये हैश क्या है, ऑफसेट क्या है, और ये क्या क्या कोड लिखा हुआ है, इसको हम बात करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे। ओके, एंड आई होप आपको काम चल गया होगा इससे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इस नेविगेशन बार को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये वीडियो देखी हो या CSS हैमबर्गर मेन्यू, तो अच्छी बात है। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो ही आपको आज की वीडियो समझ आएगी। ओके, और मैं इस पूरी प्लेलिस्ट का भी और इस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, आप देख सकते हैं। ओके, तो CSS हैमबर्गर मेन्यू वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको आज की वीडियो समझ आएगी। ओके, और बात करते हैं आज इस वीडियो में करेंगे क्या हम। अगर मैं देखिए मैं इसको छोटा करता हूँ, अगर मैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे ये मोबाइल के लिए नेविगेशन बार आ रहा है मेरे पास। ओके, अभी हमारा कुछ ऐसा देख रहा है, मुझे कुछ इस तरह से इसको बनाना है। ओके, तो यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू हम बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। ओके, और इसके लिए हम लिखेंगे मीडिया क्वेरीज, और मीडिया क्वेरीज लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि यहाँ से मैं मीडिया क्वेरीज लिखना स्टार्ट करूँगा। और एक और चीज़ गाइस, अभी यहाँ पे मीडिया क्वेरीज लिखूँगा मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैक्स विड्थ 768 पिक्सल्स के लिए लिखता हूँ मैं। अभी यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे पहले मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ डेस्कटॉप के लिए, और फिर मैं उसको फ़ोन के लिए बनाता हूँ। ओके, इस चीज़ को बोलते हैं डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, डेस्कटॉप फर्स्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, कि पहले मैं डेस्कटॉप के लिए बना रहा हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन के लिए, टैबलेट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बनाऊँगा। ओके, और एक होती है हमारे पास मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, मतलब पहले हम मोबाइल के लिए बनाएंगे फिर उसको डेस्कटॉप के लिए बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे अभी मेरे लिए क्या है, अभी मेरे सामने है डेस्कटॉप, तो मैंने डेस्कटॉप पे बनानी स्टार्ट की, तो जो मेरे को दिख रहा है आगे डेस्कटॉप, मुझे उस पर बनानी आसान है, ठीक है। तो मैं क्या था, जो मुझे दिख रहा है मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट बना दी, तो मैंने इसलिए डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच यूज़ की, पहले डेस्कटॉप के लिए बनाई या फ़ोन के लिए बना रहा हूँ। बट अगर मेरे पास डिज़ाइन पहले से रेडी होता, ओके, फॉर एग्जाम्पल फिग्मा में या फिर किसी और एडोबी में किसी में पहले से डिज़ाइन तैयार होता, तो ऐसा हो सकता था कि मोबाइल फर्स्ट में मुझे थोड़ा कम कोड लिखना पड़ता और मोबाइल फर्स्ट अप्रोच ज़्यादा सही रहती। ओके, तो ये हमारे ऊपर है हम कौन सी अप्रोच चूज़ करना चाहते हैं। ओके, आने वाले कोर्सेज में आपको बताऊँगा कि कैसे आप मोबाइल फर्स्ट बना सकते हैं। ओके, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो बात करते हैं इसकी, मीडिया क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मीडिया क्वेरी में सबसे पहले मैं उठाऊंगा नैव बार, और नैव बार की ओपेसिटी मैं इसको यहाँ पे ऐसे खोल लेता हूँ। ओके, सबसे पहले इसकी ओपेसिटी को मैं चेंज करके कर दूंगा 0.95, अभी 0.9 है। ओके, तो ओपेसिटी मैंने थोड़ी 0.95 बढ़ा दी थोड़ी। ओके, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद दो चीज़ें हैं मेरे पास, एक नैव बार का इनपुट और एक नैव बार कंटेनर के अंदर हैमबर्गर लाइंस, दो चीज़ें हैं। उनका डिस्प्ले मैं कर दूंगा ब्लॉक, बाय डिफ़ॉल्ट क्या थे वो नन थे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ऊपर जाऊँगा अगर मैं, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका डिस्प्ले था नन। ओके, इनका डिस्प्ले मुझे करना है यहाँ पे ब्लॉक करना है। ओके, तो इसको कर देते हैं, तो मैं कैसे करूँगा इसको, डॉट नैव बार कंटेनर के अंदर अगर मैं इनपुट है फॉर एग्जांपल, और इनपुट और साथ में डॉट नैव बार कंटेनर डॉट हैमबर्गर लाइंस, दोनों का डिस्प्ले मुझे मैं कर दूंगा ब्लॉक। ओके ओके, यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक किया बट यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्योंकि जो इनपुट है ना यहाँ पे मैंने सिर्फ इनपुट लिख दिया। ओके, बट ऊपर जो लिखा था मैंने वो लिखा था इनपुट के साथ कि इनपुट का टाइप भी होना चाहिए चेकबॉक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू इसकी। ओके, तो इसीलिए ऊपर वाला ही कोड चल रहा है मेरा। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इसकी टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, ओके, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आपको दिख रहा है चेक बॉक्स आ रहा है। ओके, तो
तो ये था, तो स्पेसिफिसिटी का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब कि अगर आपके पास एक ही CSS फाइल है, चाहे आपने मीडिया क्वेरीज में कोड लिखा है, चाहे आपने मीडिया के बाहर लिखा है कोड, ठीक है, स्पेसिफिसिटी मैटर करेगी हर वक्त। ओके, अगर जिसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी वही कोड चलेगा आपका। इसलिए मीडिया क्वेरीज के अंदर और उसके बाहर आप क्या रखिए, सेम स्पेसिफिसिटी रखिए और मीडिया क्वेरीज को अपने कोड के एंड में लिखिए, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना आप। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा डॉट नैव बार कंटेनर है मेरा, इसका डिस्प्ले तो ब्लॉक है ही, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं आपको डिस्प्ले इसका, सॉरी इसका डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे हम, क्योंकि अभी हमने क्या कर रखा है, इसका डिस्प्ले कर रखा है फ्लैक्स। ओके, इसका डिस्प्ले हम ब्लॉक करेंगे और डिस्प्ले ब्लॉक के बाद इसकी पोजीशन को कर देंगे हम रिलेटिव, पोजीशन इसकी रिलेटिव करेंगे और इसकी हाइट जो होगी वो रहेगी 64 पिक्सल्स। ओके, और अभी आपको बहुत अजीब लग रहा है, लगने दो, ठीक हो जाएगा अभी। ओके, और इसके बाद मुझे करना क्या है, नैव बार कंटेनर के बाद, और उसके बाद डॉट नैव बार कंटेनर के अंदर मेरे पास इनपुट है जिसका टाइप होगा चेकबॉक्स। ओके, और उसमें मैं क्या करूँगा, इसकी पोजीशन होगी, इसकी एब्सोल्यूट होगी, पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, डिस्प्ले इसका ब्लॉक है ही है, और इसकी हाइट हम कर देंगे यहाँ पे 32 पिक्सल्स की। ओके, और इसकी विड्थ हम कर देंगे 40 पिक्सल्स की। ओके, इसको टॉप से कर देंगे हम 20 पिक्सल्स, और इसको लेफ्ट से कर देंगे 20 पिक्सल्स। इसका z इंडेक्स मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो मैं 3, 4, 5 लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं इसको सेव करता हूँ, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी ओपेसिटी मेरे को बाद में ज़ीरो करनी है, ठीक है, तो अभी कर देता हूँ 0। ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ 0। ओके, तो अभी है यहाँ पे बट आपको दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने ओपेसिटी कर दी है इसकी 0। ओके, अब हैमबर्गर अलायंस को देख लेते हैं थोड़ा, डॉट नैव बार कंटेनर, और इसके बाद जो मेरी हैमबर्गर अलायंस हैं उसको देख लेते हैं। इसको डिस्प्ले ब्लॉक, इसको ओपेसिटी अभी 0 नहीं करता मैं, क्योंकि इसकी हैमबर्गर लाइंस को मुझे इसके ऊपर ही रखना है ना, तो इसीलिए। तो मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट में कर देता हूँ यहाँ पे 40 पिक्सल्स, विड्थ में इसकी कर देता हूँ 32 पिक्सल्स। ओके, इसकी पोजीशन भी मैं कर दूंगा यहाँ पे एब्सोल्यूट। ओके, और पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको टॉप से मैं नीचे कर दूंगा इसको 20 पिक्सल्स, और इसको लेफ्ट से मैं कर दूंगा 20 पिक्सल्स। इसको मैं जी इंडेक्स दे दूंगा, मुझे इसे कम रखना है तो मैं 2 दे देता हूँ इसको जी इंडेक्स। ओके, और इसको डिस्प्ले मैं कर दूंगा यहाँ पे इसको फ्लैक्स। ओके, और इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन मैं कर दूंगा कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट मैं कर दूंगा स्पेस बिटवीन। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो लाइन्स आएंगी ना, मैं चाहता हूँ कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके, तो इसीलिए मैंने किया है, हम हैमबर्गर लाइंस के अंदर जो लाइन होगी उसके लिए किया मैंने। ओके, तो अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा दिखेगा आपको। तो अभी मैं जो लाइन है उसकी कोडिंग करता हूँ, ठीक है। तो नैव बार कंटेनर के अंदर हैमबर्गर लाइन के अंदर मेरे पास है लाइन। ओके, और मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्प्ले करता हूँ इसकी ब्लॉक, क्योंकि स्पैन एलिमेंट बाई डिफॉल्ट। ओके, इसकी हाइट में करता हूँ 4 पिक्सल्स, और विड्थ मैं इसकी करता हूँ 100%, मतलब कि जितना इसका आउटर कंटेनर है उतने। इसकी बॉर्डर रेडियस मैं करता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल्स। ओके, और इसको बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ 333। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऊपर है, इसके नीचे 3 लाइन आ चुकी हैं। इसकी ओपेसिटी को अगर मैं 0 कर दूँ तो आप देखते हैं ये 3 लाइन्स आ चुकी हैं मेरे पास। ऑलराइट, और अभी देखने में बहुत अजीब लग रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ, पर अब सही करेंगे इसको हम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन्यू लाइन है ना जो, अभी इन तीनों लाइन को अलग अलग टारगेट करते हैं और फिर देखते हैं इसको क्या करते हैं। तो लाइन 1 को देखते हैं पहले, और लाइन 1 का मैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन करूँगा क्योंकि ये वाला इफेक्ट देने के लिए, ये जो क्रॉस बन रहा है ना, इस इफेक्ट को देने के लिए मैं इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन करूँगा 0%, 0%। ओके,
और इसको ट्रांजिशन भी करूँगा मैं, ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन किस पे करूँगा मैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पे, और 0.4 सेकंड में होगी और इज इन आउट। ओके, और ऐसे ही मुझे करना है। लाइन टू के लिए कोड लिखता हूँ मैं, और लाइन थ्री के लिए, लाइन टू के लिए देखता हूँ क्या करूँगा मैं। लाइन टू के लिए इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को, और यहाँ पे ऑल कर देता हूँ, और यहाँ पे ऑल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ही करना है मुझे इसमें भी। ओके, और यहाँ पे कर देता हूँ 100%। ओके, इतना हो गया। इसके बाद मैं टारगेट करता हूँ अपने मेन्यू आइटम्स को, डॉट नेव बार के अंदर जो मेरे मेन्यू आइटम्स हैं उसको टारगेट करता हूँ। ओके, इसको मैं पैडिंग टॉप करता हूँ, इसकी पैडिंग टॉप 100 पिक्सल्स। इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ यहाँ पे प्योर एफ, प्योर वाइट, और इसको हाइट दे देता हूँ मैं 100 VH की। ओके, और इसको मैक्स विड्थ दे देता हूँ मैं साथ में 300 पिक्सल्स की। ओके, इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ मैं ट्रांसलेट, ताकि मैं इसको अपनी स्क्रीन से बाहर ही निकाल दूँ, बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट साइड में बाहर निकाल दूँ। उसके लिए -150%। ओके, डिस्प्ले कर दूंगा इसकी भी मैं फ्लैक्स, और यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन में कर दूंगा इसको कॉलम, और मार्जिन लेफ्ट दूंगा मैं इसको, मार्जिन लेफ्ट -40 पिक्सल्स, और पैडिंग लेफ्ट दूंगा मैं इसको 50 पिक्सल्स की। यहाँ पे भी ट्रांजिशन यूज़ करूँगा मैं, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड इज इन आउट, और इसको मैं बॉक्स शैडो दूंगा साथ में, बॉक्स शैडो दूंगा मैं 5 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स और 0 पिक्सल्स, और दूंगा यहाँ पे ए ए ए। ऑलराइट, और उसके बाद मैं जो मेन्यू आइटम्स है ना, इसके अंदर जो एल आई है उसको टारगेट करूँगा मैं, जो मार्जिन बॉटम रखूंगा मैं इसका रखूंगा 3 RAM का, फॉन्ट साइज में रखूंगा इसका 2 RAM का, फॉन्ट वेट रखूंगा मैं 500। ओके, और जो लोगो है ना इसकी पोजीशन भी सेट करूंगा मैं, इसकी पोजीशन मैं करूंगा यहाँ पे एब्सोल्यूट, और इसको टॉप से मैं रख दूंगा इसको 10 पिक्सल, और राइट से रख दूंगा इसको 15 पिक्सल्स, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर दूंगा इसका 3 RAM। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद जो मेरा नैव बार कंटेनर है, ओके, इसके अंदर जो इनपुट है जिसका टाइप है चेकबॉक्स, ओके, अगर वो चेक्ड है, ठीक है, चेक्ड है, तो उसका जो सिबलिंग होगा वो होगा मेन्यू आइटम्स। तो उस मेन्यू आइटम में क्या होगा, उसका जो ट्रांसफॉर्म है उसको ट्रांसलेट एक्स कर दे दूँ मैं इसको 0। ओके, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये कोड इतना तो सेम रहेगा, उसके बाद तीनों लाइंस के लिए भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैमबर्गर लाइंस के अंदर जो लाइन 1 है उसके साथ क्या होगा वो देखते हैं। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, रोटेट कर देंगे नेगेटिव, सॉरी 45 डिग्री पॉजिटिव, 45 डिग्री, और अब क्या करूँगा मैं, जिस लाइन 1 है, अब लाइन 2 और लाइन 3 के लिए भी लिख लेता हूँ कोड, लाइन 2 और लाइन 3। और यहाँ पे लाइन 2 में क्या होगा, लाइन 2 में सिंपली क्या होगा, जो स्केल वाई हो जाएगा, स्केल वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा इसका 0। ओके, तो मैं इसको गायब करना चाहता हूँ यहाँ से, यहाँ से गायब हो रहा है ना, तो इसका स्केल मैं कर दूंगा 0। और यहाँ पे इसमें रोटेट लाइन 3 में क्या होगा, रोटेट हो जाएगा -45 डिग्री। ओके, इसको सेव करता हूँ, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा,
मैंने कुछ गलती किया यहाँ पे, मैं देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे विड्थ मैं रखूँगा 40 पिक्सल्स की और हाइट रखूँगा यहाँ पे 32 पिक्सल्स की। ऑलराइट, अब सही है। ओ शायद से इसका ओरिजिन भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ अच्छे से। ऑलराइट, यहाँ पे लाइन 3 लिखना मुझे। और ऑलराइट, तो अभी बिल्कुल सही काम कर रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसकी तरह काम कर रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो चुका है, तो ये रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार मेरा बन चुका है। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार मैंने कैसे बनाया। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे कि 768 पिक्सल्स की मैक्सिमम विड्थ में हम और क्या क्या है सही करेंगे इसका। ओके, अभी तक हमने क्या क्या रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाया। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ और मेरे क्वेरीज लिखेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में, और हो सके तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस सेक्शन की, टाइप्स ऑफ फूड सेक्शन की। इसमें आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और हम कुछ इस तरह से चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी विड्थ ले। ओके, ऐसे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड मत हो। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, तो मैं इसके लिए भी 768 पिक्सल्स की विड्थ टारगेट कर रहा हूँ। ओके, मीडिया क्वेरीज में, और जहाँ पे अपने इसको रिस्पॉन्सिव बनाया था, तो उस वहीं पे नीचे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फूड कैटेगरी के लिए। ओके, फूड कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेरे पास क्लास थी फूड कंटेनर, उसको उसकी फ्लैक्स डायरेक्शन को मैं कर दूंगा यहाँ पे कॉलम। ओके, और यहाँ पे अलाइन आइटम्स को कर दूंगा मैं यहाँ पे स्ट्रेच। ओके, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जो जितने भी मेरे फूड टाइप थे, जो भी मेरे फूड टाइप थे, जैसे ये 3 फूड टाइप हैं, और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप लास्ट वाले को छोड़ के पहले दो में मार्जिन देना चाहते हैं, तो आप ये स्यूडो क्लास यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, नोट जो कि नहीं है लास्ट चाइल्ड। ओके, इसको मैं मार्जिन बॉटम दूंगा 3 RAM का। ओके, और इसको सेव करता हूँ मैं, अभी कुछ इस तरह से दिख रहे हैं ये, आप देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ और काम भी करूँगा, यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं फूड टाइप है ना, जो जो मेरा फूड टाइप है, इसको थोड़ा स्टाइल करूँगा। स्टाइल क्या करूँगा मैं इसको, इसमें मैं बॉक्स शेडो दूंगा, बॉक्स शेडो यहाँ पे बॉक्स शेडो दूंगा एक्स वाई डायरेक्शन में, उसके बाद 10 पिक्सल्स का ब्लर, 0 पिक्सल्स का स्प्रेड, उसके बाद यहाँ पे ए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉक्स शेडो भी आ रही है, और बॉक्स शेडो आ रही है, बट यहाँ पे एक चीज़ ख़राब हो रही है, यहाँ पे ये साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो इमेज कंटेनर है, जो उसको देख लेते हैं, अब जो इमेज कंटेनर है उसको मार्जिन कर देते हैं 0। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। ओके, और यहाँ पे थोड़ी सी अगर मैं और इसकी विड्थ, इसको मैं इंस्पेक्ट कर दूंगा, इस पहले तो इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, और अगर मैं इसको 500 पिक्सल से नीचे लेके जाऊँगा, जा ही नहीं पा रहा मैं 500 पिक्सल से नीचे, इसको मैं साइड में रखता हूँ, और इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ अभी के लिए। ओके, मोटो जी फोर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 360 पिक्सल्स के यहाँ पे विड्थ है। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये टेस्टिमोनियल्स भी सही नहीं लग रहा, और ये भी काफ़ी टाइट लग रहे हैं, ये फूड मेन्यू में ये आइटम्स काफ़ी टाइट लग रहे हैं। ओके, तो इसको सही करते हैं, अभी देखते हैं इसको सही कैसे कर सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ इसको। ओके, तो इसको देखता हूँ मैं इसको कैसे सही कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी लिख लेता हूँ यहाँ पे 500 पिक्सल्स के लिए भी। ओके, तो वो देख लेता हूँ कैसे लिखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे कई चीज़ें मेरी ख़राब हो रही थी, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट पेज भी ख़राब हो रहा था, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
स्क्रीन, और यहाँ पे मैं मीडिया क्वेरी लिखूंगा, यहाँ पे मैक्स विड्थ लिखूंगा मैं 500 पिक्सल्स, यहाँ पे मैं HTML का जो पूरा का पूरा रूट का जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, ओके, उसको मैं 50% कर दूंगा, ओके, क्योंकि बड़े फॉन्ट साइज अच्छे नहीं लगेंगे छोटी स्क्रीन पे, ओके। उसके बाद जो टेस्टिमोनियल कंटेनर है मेरा, उसकी फ्लैक्स डायरेक्शन को मैं कर दूंगा कॉलम, ओके, और टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा मैं सेंटर सेंटर, ओके। और उसके बाद फूड मेन्यू कंटेनर है जो मेरा, जो ये फूड मेन्यू कंटेनर है, इसको भी सिलेक्ट करूंगा मैं फूड मेन्यू कंटेनर, और उसके अंदर जो इमेज है उसको मार्जिन दूंगा मैं ऑटो, ओके। और जो फूड मेन्यू आइटम है उसके साथ भी क्या करूंगा मैं, उसको भी मैं फूड मेन्यू आइटम है उसको फ्लैक्स सिलेक्शन कॉलम कर दूंगा मैं, और टैक्स अलाइन मैं कर दूंगा इसका सेंटर, और साथ में मैं क्या करूंगा, पहले इसको इतना देख लेते हैं इसको कैसा लगेगा, ये इंस्पेक्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे नीचे नीचे, तो आप देख सकते हैं ये फूड मेन्यू कंटेनर ये कैसे नीचे आ रहे हैं, ये काफ़ी सही लग रहे हैं अभी, और टेस्टिमोनियल्स में भी अभी नीचे आ रहे हैं, ओके। अब ये कॉन्टैक्ट पेज का कुछ करना है, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे, ओके, तो इसका कुछ करते हैं अभी, ओके, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ डॉट फॉर्म कंटेनर, और इसको विड्थ देंगे हम 90% की, ओके। और कॉन्टैक्ट एक है मेरे पास कॉन्टैक्ट कंटेनर, इसको डिस्प्ले कर देंगे हम फ्लैक्स, और फ्लैक्स डायरेक्शन हम इसकी कर देंगे कॉलम, और जो कॉन्टैक्ट इमेज है उसको विड्थ दूंगा मैं 90% की, और मार्जिन मैं दूंगा इसको 3 mm फोटो, ओके। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज पे भी सही लग रहा है, ओके। अभी आप इसको देखिए थोड़ा यूज़ करके आप क्या क्या चीज़ें सही कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये अभी ऊपर से अच्छी तरह नहीं दिख रहा, तो ये आप ही कैसे करेंगे, ओके। इसको आप सोचिए ज़रा कि आप इसको कैसे सही कर सकते हैं, ओके, और कमेंट लिखिए कि आप इसको कैसे सही करेंगे ऊपर जो इसका ये, ओके, तो सोचिए ज़रा इसको कैसे सही करेंगे, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, और इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए, जिसका आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को पिन करूँगा, ओके। एंड आई होप आपको समझ आ चुका होगा, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम देखी थी, प्रॉब्लम क्या थी, फॉर एग्जांपल ये मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है मोबाइल स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे कुछ ऐसी दिखेगी, जैसे ही अपनी मोबाइल स्क्रीन को मैं रोटेट करूँगा तो ऊपर शो के एरिया में जो लिखा है वो सही से दिख नहीं रहा, ओके। तो इसको कैसे सही करेंगे हम वो देखते हैं, ओके। तो इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओरिएंटेशन ऐड कर सकते हैं, मीडिया क्वेरीज ऐड कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लैंडस्केप मोड, ओके। यहाँ पे मैं मीडिया क्वेरी ऐड करूँगा, और यहाँ पे क्या रखूँगा, ऐड मीडिया, यहाँ पे लिखूँगा ओरिएंटेशन लैंडस्केप, ओके। एंड साथ में जो रखूँगा मैं इसकी मैक्स हाइट, मतलब कि मैक्सिमम हाइट रख सकता हूँ मैं इसकी, फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल्स एंड मैक्स हाइट 500 पिक्सल्स। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं टारगेट करूँगा शोकेस एरिया को, और सबसे पहले क्या करता हूँ इसको बॉर्डर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 6 pixel सॉलिड ग्रीन, तो यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है 6 pixel सॉलिड ग्रीन का। और मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैं इसकी जो हाइट है उसको सिंपल कर दूँगा 50 vmax, ओके।
तो 50 VB मैक्स करते क्या होगा, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसके बॉर्डर को हटा देता हूँ अभी मैं, तो अभी ये दिखने में बिल्कुल सही लग रहा है। ओके, तो अभी ये फ़ोन की लैंडस्केप मोड में भी दिखने में सही लग रहा है। ओके ऑल राइट, तो ये था कि आप कैसे कर सकते थे इसको, और भी कुछ चीज़ें जो आप सही कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस पे होवर करूँगा तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बटन है जो आपका प्राइमरी बटन, तो ऊपर को चलता हूँ मैं, और जो BTN प्राइमरी है इसको मैं होवर करूँगा तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड, तो अभी बैकग्राउंड कलर मैं क्या करता हूँ, इसको ही कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और इस पर थोड़ा होवर करूँगा, मैं इस पर होवर करूँगा और इसको थोड़ा नीचे डार्क साइड पे ले आऊँगा, थोड़ा थोड़ा डार्क कर दूंगा इसी को। ओके, तो ये क्या होगा, जैसे इस पर होवर करूँगा तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है मुझे, थोड़ा कम कर दूंगा। ओके ओके, और आप इसमें ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, ये एकदम हो रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे ट्रांजिशन ऐड करनी है बैकग्राउंड पे, और कितने सेकंड में होगा, 0.3 सेकंड में, और इज इन। ओके, तो यहाँ पे ट्रांजिशन भी ऐड हो चुकी है। ओके, आप इसमें बॉक्स शैडो ऐड कर सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था, और इसमें कुछ और कमियां भी हो सकती हैं, आप उसे ढूंढिए, उसे सही कीजिए। आई होप आपको बेसिक आइडिया हो चुका होगा कि आप फ्लैक्स बॉक्स से वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ओके, और इन फ्यूचर हम और भी वेबसाइट्स बनाएंगे फ्लैक्स बॉक्स को यूज़ करके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।